लेट्स ब्रेक दिस टर्म रिमोट सेंसिंग. ओके, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, दिस रिमोट मीन्स बेसिकली फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, राइट? हाय, हेलो प्रियंका, हाय. सो मीन्स फ्रॉम अ डिस्टेंस यू आर सेंसिंग समथिंग. मतलब सेंसिंग मीन्स ऑब्जर्विंग समथिंग, राइट? यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. सेंसिंग मीन्स नथिंग बट गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग. दैट विल बी योर सेंसिंग. ओके, सो रिमोट सेंसिंग का मतलब यही होता है. ओके, मतलब फ्रॉम अ डिस्टेंस यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर बॉडी विदाउट हैविंग अ टच. बिना टच के यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन. दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग. ओके, जस्ट लाइक आवर आईज आर नथिंग बट अ सेंसर. See, if you compare this remote sensing with our body, our whole body is what? Our body is a kind of, you can say, artificial satellite on which we have sensors. Like our eyes are sensors, our skin is sensor, we can feel. Suppose, we have receptors, thermoreceptors. If I touch it, then I can feel through these thermoreceptors. But here, it is not a remote sensing because I'm touching this, right? हम इसको टच कर रहे हैं. विदाउट टचिंग इफ इट इज देयर देन हम इसको कर सकते हैं इट इज रिमोट सेंसिंग. जैसे आप किसी चीज को देखकर आप समझ जा रहे हो कि ओके दिस इज लैपटॉप, तो हम देखकर बिना टच किए ही समझ रहे हैं. दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग. अगर हम टच किए देन इट इज नॉट अ रिमोट सेंसिंग. ओके, सो इज इट क्लियर दिस बेसिक डिफिनेशन? क्लियर नॉट एवरीबडी? ओके, सो इससे क्या पता चल रहा है कि इवन इन आवर बॉडी वी हैव रिमोट सेंसिंग सेंसर्स, बट ये कैपेबल नहीं है. दीज आर नॉट कैपेबल. इफ यू कंपेयर विथ अ वेल डेवलप्ड सेंसर, जो सेंसर्स यूज करते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, दे आर वेल डेवलप्ड, दे कैन सेंस एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. बट आवर बॉडी, आवर आईज, स्पेशली our eyes only sense visible range. Second thing, they cover a large area, but in our case, we can't. हम लोग large area cover नहीं कर सकते, right? Again, they have a capacity to record these datas. हमारे brain में उतने datas record नहीं होते. This is the thing. हम लोग इस recorded data को share नहीं कर सकते, जबकि सेटेलाइट्स में, सेंसर्स में, वहां हार्ड ड्राइव्स होते हैं. वी कैन स्टोर, वी कैन शेयर, दैट इज देयर. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हियर वी कैन सी दैट दीज आर आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, एंड सी हाउ मच सेटेलाइट्स आर देयर, एंड ऑल ऑफ देम आर नॉट एक्टिव. आई एम नॉट सेइंग कि सब एक्टिव है, सम ऑफ देम आर इनएक्टिव. Some of them are just a debris. Some of them are like still active. They are working right now. So if you count till last year, around 8,000 plus satellites are present in our polar orbiting satellite. These are polar orbiting satellites. Okay. These are low level satellites. These are sun synchronous satellites. ये बहुत कम height पे Earth को rotate करते हैं. Around 840 or 850, so you can say 700 to 900 ke beech mein, but the best height is 845 plus minus 20. Okay, that is the height. These are the polar orbiting satellites. I'm not talking about geostationary satellite. The distance is 36,000 kilometers. So socho wahan bhi kuch satellites hain, samajh rahe ho na? These are polar orbiting satellites. Okay, they are close to the Earth surface. Here we can see kitne satellites hain. We have only one natural satellite, that is Moon. But see, number of artificial satellites. Kitne hain? And the number are increasing day by day. It is not fixed. It is increasing day by day. Okay. So this is the basic definition jo maine bataya. Remote sensing is a technology of acquiring information about the Earth's surface without actually being in contact with it. But Earth's surface
यहां हम स्पेसिफाई कर रहे हैं अर्थ सरफेस, बट रिमोट सेंसिंग सिर्फ अर्थ सरफेस के लिए मतलब वैलिड नहीं, सिर्फ अर्थ सरफेस के लिए वैलिड नहीं है। इवन वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी टू फाइंड लाइक और टू एक्वायर डेटा ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन मार्स, हम लोग अभी कर रहे हैं, राइट? अभी हम लोगों ने मून पर चंद्रयान 2 भेजा, राइट? वी हैव रोवर्स, वी हैव लैंडर्स, वी हैव ऑर्बिटर्स। तो वहां भी रिमोटली वी गेट डेटा, वी गेट पिक्चर्स ऑफ मून, सो दैट विल बी ऑल्सो अ रिमोट सेंसिंग। तो सिर्फ अर्थ करना इज नॉट मतलब करेक्ट थिंग। आप इवन वी यूज सो जब भी हम लोग अपने अर्थ से बाहर जाते हैं, देन वी यूज द टर्म एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिमोट सेंसिंग। ओके, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिमोट सेंसिंग। जब मून, मार्स एंड इवन सन के सरफेस एंड ऑल इसकी स्टडी करें, देन इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। और नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। मॉम हम लोगों ने भेजा मार्स ऑर्बिटल मिशन, वी हैव चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, नाउ अभी हम लोग आदित्य नाम का एक मिशन भेजने वाले हैं बाय इसरो। दीज ऑल आर इसरो मिशंस। वेनस के लिए मिशन भेज रहे हैं। सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिमोट सेंसिंग। ओके, नाउ दिस इज डन बाय द सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी एंड प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड अप्लाइंग दैट इंफॉर्मेशन। सो इसका मतलब क्या है? बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, फर्स्टली वी सेंस, देन वी रिकॉर्ड दिस डेटा। कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। आइदर लाइट रिफ्लेक्ट हो, आइदर वो सोर्स का ही लाइट हो, या ये भी हो सकता है कि वो लाइट आ रहा हो सन से रिफ्लेक्ट होकर। जैसे कि सपोज व्हाट आई एम सेइंग इज, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ओके, हियर वी हैव अ सेटेलाइट ऑर्बिटिंग एट से 800 किलोमीटर्स। ओके, सन इज ओवर हियर। सो वन वे इज कि लाइट यहां से आए एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड एंड बाउंस बैक टू द सेटेलाइट ओवर हियर, वी हैव अ सेंसर। ये एक तरीका है। सेकेंड टेक्निक इज कि ये खुद सेटेलाइट प्रोड्यूस करे, इट एक्ट्स एज अ सोर्स, इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड वो इसके साथ इंटैक्ट करता है एंड देन अगेन रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस। ये भी हो सकता है एंड एट द सम सेम टाइम ये भी हो सकता है कि इफ दिस सनलाइट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट, ओके, इट ऑब्जॉर्ब सम ऑफ द सनलाइट एंड देन इट री रेडिएट्स बैक। इंस्टीड ऑफ रिफ्लेक्शन इट री रेडिएट्स बैक सम ऑफ इट्स सोलर एनर्जी। ओके, दिस री रेडिएटेड एनर्जी इज देन ऑब्जॉर्ब बाय द सेटेलाइट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इमिटेड इमिटेड रेडिएशन। यहां रिफ्लेक्टेड हो रहा था, इनिशियली इट इज रिफ्लेक्टेड, नाउ दिस इज इमिटेड। सो दोनों को सेंस किए, रिकॉर्ड किए एंड देन वी प्रोसेस द डेटा टू गेट फाइनली जो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड जो भी नॉलेज चाहिए उसको प्रोसेस कर रहे हैं के बाद वी यूज दिस। ओके, सो दिस इज द बेसिक्स। ओके नाउ, ओके, सो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, लेट्स सी। दिस इज अ सोर्स, ए इज अ एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन। ओके, सो हियर वी हैव अ नेचुरल सोर्स ऑन अर्थ दैट इज सन। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड दैट वेवलेंथ्स व्हेन इट इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्टेड बैक और इमिटेड बैक एंड दैट इमिटेड रेडिएशन इज यूज बाई सेटेलाइट टू गेट इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? इज दिस क्लियर नॉट एवरीबडी? रिप्लाई नो राहुल, एवरीबडी इज दिस क्लियर? ओके, नाउ हियर वी कैन सी दैट सेकेंड थिंग इज रेडिएशन एंड द एटमोस्फियर। सो लेट सी, सपोज दिस इज अ सन, ओके, फ्रॉम सन रेडिएशन इज कमिंग आउट इन ऑल द डायरेक्शन। ओके, सो हियर वी आर, दिस इज टॉप ऑफ द एटमोस्फियर TOA। हियर वी हैव से पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट। ओके, नाउ हियर दिस सन इज एक्टिंग एज अ सोर्स, बट सोर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल कि दिस सन एक्ट एज अ सोर्स, दिस होल लैंड एक्ट एज अ सोर्स एंड इवन दिस सेटेलाइट एक्ट एज अ सोर्स। ये तीनों सोर्स की तरफ बिहेव कर सकता है। तो लेट सी हर कंडीशन को। इन द फर्स्ट केस सन इज
रेडिएटिंग सम सोलर रेडिएशंस, लाइक इनसे इंसुलेशन निकल रहा है. फ्रॉम हियर रेडिएशन गोज ऑल द वे टू द अर्थ सरफेस, इट इंटरेक्ट्स विद द बॉडी एंड देन अगेन रिफ्लेक्टेड बैक, और फाइनली इट इज कैप्चर्ड ओवर हियर. दिस इज द फर्स्ट वे. सेकेंड वे, ड्यूरिंग नाइट टाइम, सपोज दिस अर्थ इज वॉर्म ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट री इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ आई आर रेज. एंड इफ यू मोर स्पेसिफिक देन वी कैन से थर्मल, थर्मल आई आर, स्पेसिफिकली थर्मल आई आर इट इज. ओके, सो यहां से थर्मल आई आर निकल रहा है. नाउ इट कैन ऑल्सो बी सेंस्ड बाई सेंसर्स विच वर्क्स इन थर्मल रेंज और आई आर रेंज, वैसे रेंज के जो सेंसर्स होंगे, इट कैन कैप्चर इट. इट हैज एबिलिटी टू कैप्चर दिस आई आर सेंसर्स. ओके, आई आर रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन यू कैन सी. थर्ड, सपोज वॉट हैपन इफ दिस सैटेलाइट जनरेट्स इट्स एनर्जी, खुद की एनर्जी ये खुद जनरेट करने लगे. इन दैट केस वी कॉल इट एज अ एक्टिव सेंसर. सो सपोज वी हैव अ सेंसर जो खुद प्रोड्यूस कर दे रहा है एनर्जी को. ओके, सो सपोज माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रेंज में कोई एक्टिव सेंसर है. नाउ वो हियर इट प्रोड्यूस रेडिएशन, इट गोज ऑल द वे टू द सरफेस, इट इंटरेक्ट्स विद द बॉडी एंड देन गोज बैक टू द सेंसर. सो देयर आर थ्री वेज थ्रू विच दिस एनर्जी सोर्स, ये समझ में आ रहा है, थ्रू विच दिस एनर्जी सोर्स कैन बी हैव, लाइक ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कैन इल्यूमिनेट वट एवर, इज दिस क्लियर? ओके, सो द सेकेंड थिंग इज रेडिएशन एंड द एटमोस्फियर. अब नाउ वी नो दैट कि इफ एनी बॉडी विच हैज टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो, सपोज दिस इज अ बॉडी इट हैज अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, अपर पार्ट टू राइट. ओके ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि सपोज दिस ऑब्जेक्ट हैज अ टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो, इन दैट केस इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मतलब अगर वी नो दैट नो कि अगर कोई बॉडी हीटेड है, इट ऑलवेज लूज इट्स एनर्जी टू कम इन इक्विलिब्रियम, सारी चीजें इक्विलिब्रियम में रहना चाहती हैं, राइट? सो अगर ये बॉडी 0 डिग्री, एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा है टेम्परेचर, देन इट विल रिलीज सम वेवलेंथ, जैसे हमारी बॉडी आई आर रिलीज करती है. ओके, इवन आवर बॉडी रिलीज आई आर. सो सिमिलरली जो भी बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा होगा, इट प्रोड्यूस रेडिएशन एंड देन दैट रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय द सेंसर. ये चीज समझ में आ रहा है? बट दिस रेडिएशन इज पासिंग थ्रू एटमोस्फेयर ट्वाइस, वन इज वन ड्यूरिंग, ये आ रहा हो जब फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जिसे इंट्रैक्ट करना है, एंड देन अगेन फ्रॉम हियर इट आइदर रिफ्लेक्टेड बैक और इमिटेड बैक, देन अगेन ये फिर से एटमोस्फेयर से पास करता है. सो एटमोस्फेयर इज देयर, जो कि रेडिएशन को, दैट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन यू कैन से और इमिटेड रेडिएशन यू कैन से, इट एटेन्यूएट्स. दिस एटमोस्फेयर इज बेसिकली एटेन्यूएट्स दिस रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड रेडिएशन. मीन्स आइदर दिस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन और इमिटेड रेडिएशन इज री एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स और स्कैटर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, यू कैन से इमिटेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर से री इमिट करेगा, राइट? ट्रांसमिट थ्रू द गैस मॉलिक्यूल्स, रिफ्रैक्शन इज देयर. तो ये सारी चीजें उधर होती रहती हैं. ओके, फाइनली इट रीचेस टू द सैटेलाइट और सेंसर, यू कैन से मोर स्पेसिफिकली सेंसर. नाउ दिस रिफ्लेक्टेड लाइट और दिस इमिटेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनकमिंग रेडिएशन, क्योंकि इनकमिंग बहुत से होते हैं. सपोज दिस इज अ सन, नो, देर आर लॉट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, बट ओनली फ्यू ऑफ देम कैन गो अप टू ऑल द वे टू द दिस सेंसर. सेंसर का एरिया बहुत कम है ना, सो कुछ स्पेसिफिक ही होंगे जो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे. इज दिस क्लियर और नॉट? सो दिस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस रिमोट सेंसिंग इज कंसर्न.
इज दिस क्लियर टू यू ऑल? रितु, श्री, राहुल, एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क. ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट, इंटरेक्शन विद द टारगेट. सो इन दिस केस, सपोज दिस इज अ टारगेट ओवर हियर. नाउ दिस इंटरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फंक्शंस, वेरियस पैरामीटर्स यू कैन से. फर्स्ट वन इज बायो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. वी कैन ऑल्सो यूज बायो जियो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. सपोज इट इज अ ट्री. सपोज वी यूज दिस रिमोट सेंसिंग टू फाइंड स्पीसीज ऑफ अ ट्री इन अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट. देन वी यूज द टर्म बायो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स लाइफ का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है? दिस बायो इज यूज फॉर लाइफ, लाइफ फुल बॉडीज, राइट? इफ सपोज हमको यूज करना है फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक रॉक्स, रॉक्स को फाइंड करना है इन अ ट्रेन, इन अ गिवन ट्रेन, देन वी यूज जियो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. सो ऐसी चीजें बहुत चीजों पे डिपेंड करती हैं. बेसिकली कि उस ऑब्जेक्ट का इनकमिंग रेडिएशन के साथ कैसा इंटरेक्शन है. रिगेटिंग सम रेडिएशन इज समटाइम्स रिफ्लेक्टेड बाई अ पर्टिकुलर बॉडी, समटाइम्स इट इज अब्सॉर्ब बाई अ बॉडी. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटरनल जियोकेमिस्ट्री क्या है, इंटरनल चीजें क्या है. ओके, आई विल गिव यू एग्जाम्पल. दिस माइक्रोवेव पेनेट्रेट्स सैंड, ओके, ड्राई सैंड, बट नेवर इट नेवर पेनेट्रेट अ वेट सैंड. सी, माइक्रोवेव ही है बट वेन इट इंटरेक्ट विद द वॉटर वो रुक जाता है वहीं, कांट फर्दर पेनेट्रेट दिस ड्राई सैंड. इट्स नॉट पॉसिबल. दिस माइक्रोवेव कैन पेनेट्रेट क्लाउड्स बट विजिबल कांट. ये देख रहे हो? सो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स के साथ. दिस IR कैन ट्रैप, IR सेंसर कैन ट्रैप इमिटेड रेडिएशन बट विजिबल कांट. सो इट्स ऑल डिपेंड कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? इज दिस क्लियर? इंट्रैक्शन विद द टारगेट थिंग. अब इस चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाकर, जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे टारगेट्स, किस टारगेट के लिए कौन सा सेंसर यूज करते हैं. ओके, दिस इज इंट्रो थिंग. ओके, अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं. सब फर्स्ट क्लास इज इंट्रो. ओके, देन रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय अ सेंसर. सो वी हैव सेंसर्स इन सैटेलाइट्स. इन अ गिवन सैटेलाइट्स देयर आर अ लॉट ऑफ सेंसर. हो सकता है कि एक ही सेंसर हो, ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सेंसर्स हो, एंड इवन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक ही सेंसर में एक से ज्यादा बैंड्स हो. दीज आर बेसिकली कॉल्ड पेलोड्स. नंबर ऑफ पेलोड्स कैन बी मोर देन वन, मोर देन टू, पॉसिबल. ओके, नाउ नंबर ऑफ सेंसर्स बढ़ाने का बेसिक रीजन है कि टू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ सेम टाइम. सपोज वी हैव अ सेंसर ऑन अ सैटेलाइट टू फाइंड फ्लड फुल एरिया, टू फाइंड संजू. क्या हो गया, ये कट भी नहीं रहा है, लुक लाइक कनेक्शन फ्लूड. संजीव संजीव बोल रहा है.
क्रॉप करना पड़ेगा ना, बवाल आ जाएगा। अरे ऐसे होते हैं यहाँ से। ओके एवरीबॉडी, देयर इज अ टेक्निकल इशू, सॉरी फॉर दैट। कैन यू हियर मी नाउ? हेलो एवरीबॉडी, देयर इज अ टेक्निकल इशू, सॉरी फॉर दैट। कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी एवरीबॉडी? एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? राहुल, रॉबर्ट, कैन यू हियर मी नाउ? श्री, ओके, सो आई थिंक यू कैन हियर मी। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज देयर इज अ टेक्निकल इशू, सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन अगेन। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय अ सेंसर। ओके, सो सी, सम सेंसर्स आर यूज्ड टू लाइक दे हैव द रिकॉर्डिंग डिवाइस विद देम, लाइक दे आर internal hard disk drives are there which can record. Some are connected to the land stations, like suppose ki match chal raha hai aur us match ko aap live dekh rahe ho. That means that remote sensing is used to basically aap remote sensing ka use karke live cheeze dekh rahe ho dusre desh ki, right? Remote sensing kuch bhi hai na, aap camera bhi use kar rahe ho, that is remote sensing. This mobile is used as a remote sensor because आप informations को ले रहे हो without touching, right? तो remote sensing का मतलब ये नहीं होता है कि always for the satellite sensors and all. ये भी तो एक sensor है, camera is a sensor, right? यही तो camera उसमें भी होता है, but उनके camera कुछ best होते हैं. In satellite it is of different types, हम लोग पढ़ेंगे वो types क्या होंगे. Okay, now ये जो recording होता है energy इसका इंफॉर्मेशन का, वो बेसिकली क्या है? इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय अ ऑब्जेक्ट, बाय अ टारगेट। सोचो कि यहां से लाइट आया, इसके साथ इंटरेक्ट किया एंड देन इट इज गोइंग बैक। सो जब ये लाइट वापस जा रहा है, दैट मींस दिस लाइट हैज सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, राइट? और उस लाइट को ट्रैप किए एंड देन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू डिजिटल फॉर्म। यही इस जगह के डिजिटल नंबर की वैल्यू को लेके जाता है वो डीएन नंबर, वी यूज द टर्म डीएन नंबर। ओके, सो इच रिफ्लेक्शन हैज सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट यू कैन से उसी इंफॉर्मेशन को फिर रॉ डाटा में कन्वर्ट करते हैं एंड देन दिस रॉ डाटा इज प्रोसेस्ड टू फाइंड फाइनल रिजल्ट एंड देन उसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेशंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फाइनली वी यूज दिस इमेज फॉर वेरियस एप्लीकेशन। ये एक पूरा प्रोसेस है। तो समझ रहे हो ना कि रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय अ सेंसर। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि सपोज आप अमेरिका की चीजों को लाइव देखना चाहते हो, बट इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर द होल डेटा फ्रॉम सैटेलाइट विच इज ओवर अमेरिका राइट नाउ। इंडिया में ये स्टेशन है और ये जो सैटेलाइट है अभी सोचो अमेरिका में, तो इन दैट केस दिस सैटेलाइट ट्रांसफर इट्स इंफॉर्मेशन टू दिस सैटेलाइट एंड नाउ दिस सैटेलाइट इज ओवर इंडिया, सो इट इज इजी टू गेट डेटा फ्रॉम हियर, नो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड ऑल, विदाउट एनी एटेन्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल। समझ रहे हो? सो समटाइम्स ये भी ऐसी चीजें भी हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ डेटा बिटवीन द सैटेलाइट्स, इन बिटवीन द सैटेलाइट्स, ये चीजें होती हैं। इज दिस क्लियर? परी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नाउ ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। वंस द डेटा इज रिकॉर्डेड ओवर हियर, दिस डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड स्टेशन। ओवर हियर दिस ओवर हियर एंड इन अ ग्राउंड स्टेशन दिस डेटा इज रिसीव्ड देन प्रोसेस्ड। Initially this data is a raw data. इस raw data से हम लोग errors को निकालते हैं। अब सोचो कि जो भी radiation वापस sensor में जा रहा होगा, it has some errors, right? It is not precise data because in between the object and this sensor there is an atmosphere. This atmosphere is basically
इंक्रीज द डिग्री ऑफ यू कैन से डिस्टर्बेंस, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को बढ़ा रहा है, द डेटा विल बी डिफरेंट, थोड़ा सा डेटा चेंज हो सकता है ना, क्योंकि बीच में क्लाउड कवर हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि बीच में हेजी डे हो जाए, डस्ट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है वो वेवलेंथ. सो वो वेवलेंथ अब एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं लेके जा रहा है, इन बिटवीन वो जो भी एटमोस्फियर में चीजें उसके भी इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जा रहा है. सो व्हाट वी डू इज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हम लोग ऐसे एरर्स को निकालते हैं, एटमोस्फेरिक एरर्स को निकालते हैं, एरोसोल एरर्स को निकालते हैं, लाइक दिस. एंड फाइनली दिस रॉ डेटा इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द यू कैन से फाइनल डेटा. उस फाइनल डेटा के डिजिटल नंबर्स का यूज करके यूजिंग सम GIS softwares like ArcGIS, QGIS, and finally we form a image, and that image then is used in various applications. मतलब आप apps का use कर रहे हो, softwares का use कर रहे हो उस raw data को final process data में convert करने के बाद, and then उसे आप एक image generate कर रहे हो जिसको हम लोग समझ सकें. समझ रहे हो? Finally वो एक as actually में तो वो values आते हैं ना, जो भी record हो रहा है raw data में, that is values. आप वैल्यूज को देखकर इमेज नहीं बता सकते ना किसी एरिया का, इमेज उस वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दिस QGIS सॉफ्टवेयर्स एंड ArcGIS सॉफ्टवेयर्स. ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करेंगे एंड फाइनली एक सही फोटो आएगा, एंड देन दैट इमेज इज यूज्ड. समझ रहे हो? जैसे फॉरेस्ट फायर की स्टडी करना है, सुनामी की स्टडी करना है, तो अब लास्ट में आपके पास एक फोटो आता है, फिर उसका यूज करते हो इन वेरियस एप्लीकेशन. सो द लास्ट टर्म इज एप्लीकेशन, एंड बिफोर दैट इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस. तो कोई भी इमेज आया उसका इंटरप्रिटेशन करना होगा ना आपको. इमेज ऐसा नहीं कि जैसे कि कैमरे में फोटो खींचे वैसे है कि वैसा फोटो आ जाता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आप 800 किलोमीटर से ले रहे हो फोटो, राइट? तो वी यूज सर्टेन रूल्स, उस रूल्स को फॉलो करते हैं टू इंटरप्रेट द डेटा, एंड फाइनली वी एनालाइज द डेटा, और उसके बाद जो चीजें निकल के आती हैं दैट इज यूज इन द एप्लीकेशंस. ओके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एंड वी कैन राइट एवरीथिंग, हम लिखेंगे. ओके, सो लिव इट नाउ. प्रेजेंट डे रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स. सो इनिशियली ये हम प्रेजेंट डे लिखे हैं, यहां हम बलून्स का यूज नहीं कर रहे हैं. सी, देयर इज UAV, अनमैंड एरियल व्हीकल्स, एरियल टेलीविजन, एरियल फोटोग्राफ्स, सार, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, स्पेस शटल, एयरबोन सार. इनिशियली हम लोग पिजन्स का यूज किए हैं, वी यूज दिस हॉट एयर बलून्स टू गेट इमेजेस एंड ऑल. इसलिए वो चीजें यहाँ नहीं डाले बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट डे रिमोट सेंसिंग. आज हम लोग इन सारी चीजों का यूज करते हैं. UAVs आर नथिंग बट ड्रोन्स. ओके, या इट्स वेरी कॉमन नाउ, राइट? इवन e-commerce का companies, they are using this drone. अमेरिका में अमेजन का सप्लाई ड्रोन से होता है. इन मैरिज सेरेमनी में देखते हैं आजकल फोटो शूटिंग जो होता है वो ड्रोन से होता है, क्रिकेट में होता है, एवरीवेयर. ओके, एरियल टेलीविजन, देखो ये यहाँ साइज बढ़ते जा रहा है. तो सबसे ऊपर अगर आपको सिनोप्टिक व्यू ज्यादा, बड़ा कवरेज एरिया ज्यादा चाहिए, देन वी यूज दिस सैटेलाइट्स. ज्यादा कवरेज एरिया इन वेरी लाइक स्मॉल टाइम, आप इससे भी लार्ज एरिया कवर कर सकते हो बट टाइम ज्यादा लग जाएगा ना. सो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द रीजन, दिस इज द बेस्ट. बट रेजोल्यूशन वाइज इफ यू टॉक, इनका रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा होगा, द इमेज क्वालिटी, बिकॉज इट इज क्लोज टू द बॉडी, राइट? ये बॉडी के क्लोज है, इट इज क्लोज टू द बॉडी. आई कांट एनालाइज द इमेज, सॉरी फॉर दैट. Use laptops, okay? If you use mobile, you can't see. So use laptop. Okay. So here we can see that different height. This is a polar orbiting satellite, or you can say sun synchronous satellites. And even on the space shuttles, we use different sensors to find like various thing. Studies about atmosphere, meteorological studies, weather studies, and all. Okay. So like this. Now global satellite observation system. Here we can see different types of satellites, polar orbiting as well as geosynchronous satellites or geostationary satellites, you can say.
हियर वी कैन सी सेटेलाइट्स बाई अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान एंड ऑल. सी दिस इज अ नोवा बाई यूएसए. देन इंडियन वन इज इनसेट फायुंग, एफ वाई फ्रॉम चाइना, फायुंग शॉर्ट फॉर्म इज एफ वाई फायुंग. वी हैव मेटोसेट. ओके सो अ लॉट ऑफ देयर. ओके हियर वी कैन सी एम एस जी, जेपीएसएस. हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे इन फ्यूचर. ओके सो डोंट वरी. ओके सो लिव इट नाउ. हियर वी कैन सी यूजिंग दिस रिमोट सेंसिंग वी कैन स्टडी एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑलमोस्ट. वाटर, फॉरेस्ट, ग्रास, बेयर लैंड, पेव्ड रोड्स, बिल्डिंग एरिया एंड ऑल. ओके नाउ सो आवर द फर्स्ट थिंग इज व्हाट एनर्जी एंड सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. सो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट. इसका जो कॉन्सेप्ट था हम बता चुके हैं. सो यू कैन राइट, प्लीज नोट इट डाउन. यू हैव वेरी फ्यू मिनट्स टू राइट. लिखो जल्दी से. Everybody, write it down. Yeah, I'm going to share. Don't worry. But see, अरे कितना time लगेगा? I'm notes होता है. Okay. ऐसे तो हर चीजें books में भी दी हुई हैं. Then why notes? I will share everything, don't worry. See, अगर हम इस चीज को लिखते तो टाइम ज्यादा लगता, राइट? सो इंस्टेड ऑफ दैट हम पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे, देन आप यहां से लिख सकते हो. और ये कौन सी चीजें हैं? कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में बताता हूँ. मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैंने डिटेल में बताया. सो पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर लिखो. लिखना तभी चाहिए जब आप समझो. ओके सो ऑल ऑफ यू write it down. Okay, completed. Silpi, Robert, Sri, Rahul, Ritu, any problem you have guys? Susmita, Monica, Kashito, any problem? Susmita, what about you? Any problem? Okay, write it down. Oh, you joined late. Please come on time, Susmita. Okay, connection issue. Okay, I'm getting it. Okay, I have a question. I have a very basic question. Why the source is producing light? Why anything produce light? Can you give me a one word answer? Why anything produce light? Light ka production hota hi kyun hai? One word answer. Can you tell me? Why this bulb is illuminating light? Why? Can you tell me? Emission of energy. Yes, right. Ritu, right. Awesome. So it's basically emission of energy, right? If any body has a temperature greater than 0 degree Kelvin, it produces energy, it emits energy, and that energy is light. If it is visible, then it is a visible light. Otherwise, it can be infrared, ultraviolet, whatever it is. Temperature pe depend karta hai. Getting or not? Agar, achha, simple socho. Whenever we switch on the heater ko jab bhi switch on karte hain, initially this heater is red in color,
राइट, स्लोली स्लोली टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट गेट कन्वर्टेड इन टू ऑरेंज कलर. इफ यू सी दिस होल स्पेक्ट्रम इन विजिबल, विजिबल विजिबल स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होते हैं, विवग्योर, राइट. सो व्हेन द टेम्परेचर इज लेस मीन्स एनर्जी इज लेस, राइट. इनिशियली वो क्वाइल गर्म नहीं होगा, स्लोली स्लोली गर्म होता है ना, तो वो शुरू में रेड कलर का होता है क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है, हीट कम है. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, सो इट मूव्स टुवर्ड्स द हायर वेवलेंथ, देन इट गेट कन्वर्टेड इन टू ऑरेंज कलर एंड देन यहां आकर कहीं रुक जाता है ऑरेंज और येलो के कलर में, बीच में. इफ यू फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर इट गेट कन्वर्टेड इन टू ग्रीन देन ब्लू, लाइक दिस. कि अगर आपका टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, यू देन शिफ्ट टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एनर्जी. तुम देखो जब गैस खत्म हो जाता है, दैट टाइम जब हम लोग गैस को जलाते हैं इट ग्लोज रेड इन कलर, बट जब सिलेंडर फुल होता है तब वो ब्लू कलर का जलता है. सी बोथ द केसेस क्या है, गैस में वही ब्यूटेन और प्रोपेन है, बट चूंकि यहां कम है ना टेम्परेचर, वो कम जनरेट करा इसलिए रेड कलर. समझ में आ रहा है ये, आर गेटिंग नॉट. गैस का घर में हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, इनिशियली जब सिलेंडर फुल होता है तो ब्लू कलर का फ्लेम देता है, जब वो खत्म होने लगता है धीरे धीरे रेडीज देन लाइक दिस. इज दिस क्लियर. सन को भी देखो, सन भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत जो इनॉर्मस एनर्जी छोड़ने वाले स्टार्स होते हैं, दैट विल बी व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर, उससे भी ज्यादा होगा तो ब्लू कलर. और जब स्टार्स डेट करने लगते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू रेड जाइंट, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ, अब डेट करने लगेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी जैसे ही कम हुआ देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू रेड कलर, बिग वेवलेंथ. समझ में आया, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू, ये चीज हो गया कि नहीं, राइट डाउन फास्ट फास्ट. दिस वन ऑल्सो, इसमें पूरी चीजें मत लिखो, इफ यू हैव प्रॉब्लम देन ओनली यू कैन राइट, अदरवाइज हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं. जस्ट मेक दिस नोटेड पॉइंट्स, येलो कलर्स, ओके. Write it down fast. Any problem, you can ask question, okay? Feel free to ask. A. Gupta, Monica, Susmita, Ritu, Rahul, any problem? Robert, Sri, Viketesh, whatever, Selpi, Kik, Ritu, digital number, okay. DN value, no? I will tell you. It is a part of GIS, okay? So, after completing this remote sensing, I will tell, okay? So, right now, thoda detail mein nahi jaate hain. Bata dete hain, digital number is basically the amount of energy. Energy, jaise, ye iske saath interact kiya, is region mein, is pixel ke saath interact kiya, okay? Ab yahan, ये जो आउटगोइंग रेडिएशन जा रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है, वो डिजिटल नंबर के फॉर्म में जाता है और यही डिजिटल नंबर वहां रिकॉर्ड होता है. मतलब एनर्जी तो डिजिटल नंबर के फॉर्म में नहीं जाएगा, लेकिन जब वो सेंसर पर रिकॉर्ड होगा ना, तो दैट एनर्जी इज रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल नंबर, डिजिटल नंबर, ओके. अब उस डिजिटल नंबर का यूज करते हैं हम लोग टू जनरेट द फाइनल मैप, ओके. ये सब पार्ट है जीआईएस का. So, इसमें जो लास्ट वाली चीजें दिखा रहे हैं, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ जीआईएस. रिमोट सेंसिंग में सेंसर्स, इंट्रैक्शन ऑफ टारगेट, यही सारी चीजें हैं. आई विल टीच एवरीथिंग, ओके. जहां भी जो भी सिलेबस में है आई विल टीच. रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, एडवांस रिमोट सेंसिंग, बेसिक रिमोट सेंसिंग, सारी चीजें जाएंगी. Don't worry. Okay, completed.
चेंज करें एवरीबडी, सो आई एम चेंजिंग. ओके नाउ दिस वन फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस. सो ओवर हियर द प्रोसेस इमेज इज इंटरप्रेटेड विजुअली और डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट विच इज इल्यूमिनेटेड. सिंपल, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ओके सो चेंज करते हैं. ओके राइट इट डाउन फास्ट. ओके सो एडवांटेज, लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज. आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट समझो. फर्स्ट इज सिनोप्टिक व्यू. सो व्हाट इज सिनोप्टिक व्यू मीन्स? यूजिंग दिस कैमरा आई कैन जूम इनटू से 5x और 2x. आफ्टर दैट इट वॉन्ट वर्क. द इमेज क्वालिटी विल डिक्रीज, द रेजोल्यूशन विल डिक्रीज, राइट? बट एंड द डिस्टेंस इज वेरी लेस, राइट? मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सिनोप्टिक व्यू बड़ा नहीं है. इट्स स्वाथ इज नॉट बिग. बट इन अ केस ऑफ रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट, ऐसा सोच लो. आर्टिफिशियल सेटेलाइट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे चल रहा है. ओवर देयर इट हैज अ सिनोप्टिक व्यू, नो, इट हैज अ बर्ड्स आई व्यू. इट कैन कैप्चर अ लार्ज एरिया इन अ वेरी लाइक स्मॉल टाइम. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स देयर इज अ सेटेलाइट कॉल्ड नोवा AVHRR. AVHRR मीन्स एडवांस वेरी हाई. ओके लेट मी राइट AVHRR नोवा इज अ सेटेलाइट, सेंसर इज AVHRR, एडवांस वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर. ओके सो इट हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ 1 किलोमीटर एंड द स्वाथ इज 2800 किलोमीटर. मीन्स इन वन टाइम इट कैन कैप्चर अ स्वाथ ऑफ 2800 किलोमीटर. सी, बहुत कम समय में एक साथ 2800 किलोमीटर की स्वाथ एरिया को कैप्चर कर रहे हैं. एंड ईच पिक्सल इज इक्वल टू 1.1 किलोमीटर. सी, रेजोल्यूशन इज नॉट गुड, 1.1 किलोमीटर का पिक्सल है. पिक्सल इज व्हाट? जब भी आप किसी भी इमेज को जूम करते हैं, राइट, एट लास्ट स्टेज वी सी स्मॉल बॉक्सेस, राइट, स्क्वायर बॉक्सेस, दोज आर पिक्सल्स. सारी इमेज छोटे छोटे पिक्सल से मिलने से बनती है. ओके तो वही चीज है, यहां पिक्सल है 1.1 किलोमीटर का. दैट मींस द स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ दैट इमेज विल बी वेरी लेस, वेरी लेस. इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. बट देर आर लॉट ऑफ सेटेलाइट जिनके स्पेशियल रेजोल्यूशन बहुत कम होते हैं. दैट इज गुड. अगर स्पेशियल रेजोल्यूशन का वैल्यू से 1 मीटर है, तो वो 1 मीटर की चीजों तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. राइट नाउ वी हैव अ सेटेलाइट कॉल्ड कार्टोसेट. 2.5 सेंटीमीटर की चीजों तक को वो ये कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है. आर यू गेटिंग अ नॉट? सी, सपोज देयर इज अ वॉर टाइम बिटवीन से इंडिया एंड पाकिस्तान. यू वांट टू नो कि बाउंड्री उस पर क्या एक्टिविटी चल रही है. तो हम लोग ऐसे रेजोल्यूशन को चुनेंगे जो बहुत छोटा हो, लाइक 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लाइक दिस. तुम लोग एक छोटा सा भी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा उसको भी कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग दिस सैटेलाइट. एंड वी हैव रियल टाइम डेटा ऑफ दैट. रियल टाइम उसको हम लोग देख सकते हैं कि पोजीशन क्या है उस साइड दुश्मन का. सो इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? एनी प्रॉब्लम? ओके सो नाउ ग्लोबल कवरेज. यस, जितना स्मॉल उतनी अच्छी इमेज. यस यू आर राइट, जितना स्मॉल उतनी अच्छी इमेज. वी नो दैट, नो, कि अगर पीपीआई बढ़ा दें स्क्रीन का तो रेजोल्यूशन अच्छा हो जाता है. मींस कि पीपीआई एक, मतलब पॉइंट्स में कितने डॉट्स हैं, एक स्क्वायर बॉक्स में छोटे छोटे कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं. गेटिंग ऑन नॉट? तो अगर ज्यादा डॉट्स मिलकर एक इमेज पूरा कंप्लीट बनेगा, देन इट इज गुड. यू कैन जूम बहुत
देर तक जूम कर सकते हैं, 5x, 2x, 3x ऐसे जूम कर सकते हैं बिना इमेज को खराब किए। गुप्ता प्लीज रिफ्रेश योर पेज, देन ओनली यू कैन गेट माय वॉइस। ओके प्लीज रिफ्रेश योर पेज और अगेन रिस्टार्ट योर पेज। नाउ ग्लोबल कवरेज, सो आई विल गिव यू एग्जांपल। सपोज दिस इज अर्थ, ओके दिस इज नॉट स्फेरिकल, मान लेते हैं कि दिस इज स्फेरिकल। ओके नाउ पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज बेसिकली मूविंग अलोंग द पोल लाइक दिस, इट मूव्स अलोंग अ पोल। सो सपोज सैटेलाइट इज मूविंग लाइक दिस, देन गोइंग डाउन एंड अगेन अप एंड डाउन लाइक दिस। एट द सेम टाइम एज इट मूविंग अप, एट द सेम टाइम दिस अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। सो दैट मीन्स कि एट द सेम टाइम इट कैन कवर अ वर्टिकल डिस्टेंस एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये चीज देख रहे हो कि नहीं? अगर अर्थ स्टेडी स्टेट में होता, देन दिस सैटेलाइट ओनली कैप्चर दिस पार्ट ऑफ द अर्थ और बैकवर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, 0 degree और 180 degree। बट दिस अर्थ इज रोटेटिंग एट द सेम टाइम, राइट? इट इज रोटेटिंग एंड दिस वन इज मूविंग। सो वी कैन से दैट इन दिस वे इट कवर्स अ लार्ज एरिया, नॉट ओनली अ सिंपल, नॉट ओनली अ वन लॉन्गिट्यूड। इंस्टेड ऑफ वन लॉन्गिट्यूड इट कवर्स मोर देन वन लॉन्गिट्यूड। ये चीज समझ में आ रही है? अगर अर्थ स्टेडी स्टेट में होता तो सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड या एक लॉन्गिट्यूड के आसपास का एरिया कवर करता ना। यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नो, इट कवर्स द एंटायर अर्थ। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सैटेलाइट देन इट कवर्स द एंटायर अर्थ। सिर्फ एक सैटेलाइट इंटायर अर्थ को ऐसे नहीं कवर कर सकता है, जस्ट इंक्रीज नो। जैसे कि जीपीएस में, फॉर एग्जाम्पल इन जीपीएस वी हैव 24 सैटेलाइट्स, दैट कवर्स द एंटायर अर्थ। बट दोज आर पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। इफ यू इंक्रीज, सपोज इन अ सेम ऑर्बिट यू हैव टू सैटेलाइट्स नाउ, वन इज मूविंग अप एंड हियर वन इज मूविंग डाउन, तो एट द सेम टाइम तुम इस साइड को भी फेस कर रहे हो और इस साइड को भी फेस कर रहे हो। यू आर फेसिंग द बोथ सर्फेसिस ऑफ द अर्थ, राइट? सो इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इन दैट केस द टेम्पोरल रेजोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस। नाउ व्हाट इज टेम्पोरल रेजोल्यूशन? टेम्पोरल रेजोल्यूशन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू रीच द सेम प्लेस ऑन द अर्थ। अगर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ा दें तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन बढ़ता है। जैसे सपोज यू हैव अ सैटेलाइट जिसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन है से 1 day, यानी आफ्टर ईच 1 day, आफ्टर ईच 24 hours इट विजिट्स अ सेम प्लेस। बट इफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज मोर, इन दैट केस इट कवर्स अ सेम प्लेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम। से यू आर इन अ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ईच 100 मिनट, यानी 100 मिनट में वो फिर से उसी पोजिशन पर आ जाता है। सो डेटा वो फ्रिक्वेंटली दे रहा है ना, इट हैज ऑल्सो सेंसर्स ऑन इट। कोई सेटेलाइट अब जो बहुत नीचे है, अर्थ के बहुत क्लोज है, इन दैट केस इट रोटेट्स वेरी फास्ट, इट्स रिवोल्यूशन इज वेरी फास्ट। इफ रेवोल्यूशन इज वेरी फास्ट, इन दैट केस उसका टेम्पोरल वैल्यूज बढ़ जाएंगे। हर 1 घंटे 1.5 घंटे पर वो फिर से उस जगह पर रिपीट कर रहा है। आर यू गेटिंग ऑर नॉट? लेट्स टॉक अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। नाउ द डिस्टेंस इज वेरी फार, सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस सैटेलाइट एंड दिस अर्थ इज वेरी लेस, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वी नो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस ओवर हियर। नाउ इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस, दैट मीन्स टू काउंटर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इट रोटेट्स वेरी स्लोली, चल जाएगा काम उसमें भी, क्योंकि लाइक डिस्टेंस बहुत बड़ा है ना। नाउ इसको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ज्यादा स्पीड से घूमने का,
अगर इफ इट इज क्लोज देन टू काउंटर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इट इंक्रीजेस इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, बट ओवर हियर इट इज नॉट लाइक दैट. सो इन द केस ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स इट्स टेम्पोरल रेजोल्यूशन इज 24 आवर्स. आफ्टर ईच 24 आवर्स इट रोटेट्स द इंटायर अर्थ. बट इन अ केस ऑफ पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट इट इज वेरी लेस, इट इज 2 आवर्स, 1.5 लाइक दिस, 1.5 आवर्स लाइक दिस, 3 आवर्स, 100 मिनट्स. Is this clear? Repeatability. Yes. Kepler's second law. Closer the body, faster the speed. Okay. Is this clear to you all? Everybody, any problem? All of you, पूछो कोई question हो तो feel free to ask. Now multi-spectral. What is multi-spectral means? Sensor can measure energy at a wavelength beyond the range of human vision. Yes. Multi-spectral means its spectral resolution is more. For everything we have some sensor on it. In a case of human eyes, we can observe only visible radiation. Right? We only observe vigor. But on a remote sensing satellite, we can absorb a microwave radiation, we can observe IR radiation, we can observe a visible radiation. So that's why it is a multi-spectral. Is this clear? Is this clear or not? Tell me. Now multi-resolution. सो इन केस ऑफ मल्टी रेजोल्यूशन, सो इसमें करते क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट वी इंक्रीज इट्स रेजोल्यूशन आइदर स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल और स्पेशियल और रेडियोमेट्रिक, वट एवर हम लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. सपोज यू वॉन्ट टू स्टडी ओशंस, इन दैट केस वी नॉट नीड अ वेरी हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन. अगर छोटा भी होगा तो काम चलेगा. बट इन केस ऑफ से आर्मी बेस्ड सेटेलाइट्स जो आर्मी के लिए यूज होती हैं, इन दैट केस वी यूज वेरी हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन. तो रेजोल्यूशन डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट किस चीज के बारे में. ओके, इज दिस क्लियर? नाउ नियर रियल टाइम. सो हियर वी यूज दिस सेटेलाइट्स फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन. सपोज अभी तुमको पता लगाना है कि इंडियन ओशन में क्या वेव्स कैसे चल रही हैं, विंड बेल्ट्स को देखना है, लाइक दिस साइक्लोन्स को देखना है, तो दैट इज रियल व्यू. नो वी यूज arthaschool.net, दिस इज अ वेबसाइट वेयर यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स. अब ये चीजें पॉसिबल कैसे हैं? बिकॉज ऑफ रिमोट सेंसिंग, राइट? सो रियल टाइम डेटास को आप देख सकते हो, दूर की चीजों को. इन एक्सेसिबल एरियाज कुछ ऐसे हैं जहां आप जा नहीं सकते, you want to see, तो आप remote sensing use करो. Can visit that place from your home only. Okay, now systematic data collection. So in a systematic data collection, see, जितने भी satellites होते हैं they have a time series analysis. मतलब उनका एक temporal resolution होता है. Each 1 hour के बाद वो उस एरिया से सपोज क्रॉस कर रहा है, तो एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन कर रहा है ना. इट्स नॉट लाइक कि आप फ्लाइट से कर रहे हो. फ्लाइट जैसे फ्लाइट है, सपोज कि आप डेटा ले रहे हो यूजिंग एरोप्लेन, यूजिंग हेलीकॉप्टर्स, लाइक दिस. इन दैट केस वो हेलीकॉप्टर तभी उड़ेगा जब वेदर अच्छा हो. जब क्लाउड्स हो तो हम लोग नहीं उड़ाएंगे. लाइक दिस डिपेंड्स कि उस एरिया आपके ऊपर जाना है कि नहीं, एंड लाइक ये आपके टेरिटरी में लाई कर रहा है कि नहीं. ओके, आप कहीं किसी भी कंट्री में ऐसे नहीं जा सकते हो, राइट? बट दिस ये सेटेलाइट जा सकते हैं ना. इनका एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, डिस्टेंस मतलब लोकेशन सीरीज एनालिसिस होता है, स्पेशियल, टेम्पोरल, हर तरह की एनालिसिस आप कर सकते हो इससे सिस्टमेटिकली. और जो जो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस बहुत कम है यहाँ, डेटा इज प्रिसाइज ओवर हियर. So that is the benefit. Okay,
then the only solution sometimes for otherwise inaccessible areas, yes. Suppose flooding IVM, you want to count number of houses जो कि फ्लड में डिस्ट्रॉय हो गए, अब आप वहां जाके काउंट कर नहीं सकते हो. देन वी यूज दिस रिमोट सेंसिंग डेटा, ये इनएक्सेसिबल एरियाज में जाके पता लगा सकता है. सपोज यू वांट टू नो कि सुनामी आने वाले हैं, तो आप रिमोट सेंसिंग का यूज करके सुनामी का पता लगा सकते हो आने से पहले. आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज द सॉल्यूशन समटाइम्स यूज फॉर इनएक्सेसिबल एरियाज. Is this clear? Then generic data, multi-purpose data set. Okay, so here one image can be used for more than one use. Suppose you are taking an image of any area on Delhi. It can be used by GSI, it can be used by town development committee, it can be used by anybody. So multi-purpose use यहाँ है ना data set का. It can be used by Google for their Google Maps. It can be used by us also. It can be used by architects. एक data का use हर जगह आप कर रहे हो. And this data is in the form of soft copy as well as in the hard copy. So it is very easy to transfer this data from one place to another place. This is digital area, right? बताओ कोई प्रॉब्लम एवरीबॉडी? शिल्पी, रॉबर्ट, रितु, सुष्मिता, मोनिका, राहुल, रूबी, श्री, अगुप्ता, एनी प्रॉब्लम आस्क. सब समझ में आ रहा है या नहीं? एंजॉयिंग और नॉट? अगर इंजॉय नहीं हो रहा तो बताओ, टेल मी. ओके, सम अदर एडवांटेज देखते हैं. प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस इज फास्ट. सी, जैसे सपोज वी आर हैविंग अ डेटा ऑफ एनी एरिया, नाउ उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए व्हाट वी यूज वेरियस सॉफ्टवेयर्स, we use programming languages. अब एक बार आप कोड लिख दिए, suppose you want to find amount of moisture in atmosphere through remote sense data. अब जो भी data आया है, that data is with error. You want to remove the error first, then only you can use the data for your scientific research. Okay. So हम लोग क्या करते हैं, we use various न्यूमेरिकल मॉडलिंग्स, वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग फिट कर दिए कि ओके, इस चीज को निकालना है, इस चीज को ऐड करना है इस डेटा में से. ठीक है, अब सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर इंटायर सेट ऑफ डेटा. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप पूरे डेटा को प्रोसेस कर सकते हो ना. तो इट इज इजी टू प्रोसेस डेटा एज वेल एज एनालिसिस. See, we have a lot of softwares right now. हमारा काम वो करके देता है. QGIS, ArcGIS, these softwares are very easy, very easy to use. So even analysis भी खुद को नहीं करना है, सब सॉफ्टवेयर करके देगा. Is this clear? Now microwave remote sensing can penetrate cloud and dry sands. So this is why we use in active sensors, this microwave remote sensing. It has ability to penetrate clouds and dry sands. Ab dekho, suppose you want to study a flood area. Okay, you want to study a flood area. A flood area kahin hai, that means cloud is there. Cloud to hoga, flooding cloud se bhi hota. To us area mein pura clouds hai. At that point of time, you can't use visible, you can't use IR. Tab hum log wahan microwave use karenge. So it has ability to penetrate these clouds. It can also used for dry sands. In India, the old lost course of Saraswati River is like studied by using this microwave remote sensing. Rajasthan ke paas
एरिया मतलब राजस्थान के पास नहीं, सरस्वती जहाँ से स्टार्ट हुई है, दिस होल एरिया इज इन यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ दिस एमपी, वहां के एरियाज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का यूज कर रहे हैं टू फाइंड द कोर्स ऑफ सरस्वती रिवर। अब कैसे, सरस्वती रिवर के मतलब वो हम लोग मानते हैं कि इट इज अंडरग्राउंड रिवर, यानी ऊपर ड्राई सैंड होगा, सो इट कैन पेनिट्रेट द ड्राई सैंड। अब जैसे ही वो वाटर को पॉइंट मिलेगा, जैसे ही ये सपोज इट इज मूविंग लाइक दिस, इट कैन पेनिट्रेट ओवर हियर, यहाँ है वेट सैंड, सो इट कैन मेक अ इमेज ऑफ दिस वेट सैंड, नो यहां तक रुक कर फिर वो चला गया। जैसे ही वाटर वो वेट सैंड के साथ इंटरेक्ट किया, इट गोज बैक टू द सेंसर और हमको इस चीज का इमेज मिल जाएगा, समझ रहे हो? जैसे एटमोस्फियर को पेनिट्रेट करके ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, ओवर हियर इट कैन पेनिट्रेट दिस ड्राई सैंड और ये जैसे ही इसके साथ इंटरेक्ट करता है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है या ऑब्जॉर्ब हो जाता है, वट एवर, ऑब्जर्व होके फिर से रीमिट करेगा लाइक दिस। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ ऑप्टिमाइजेस फील्ड इन्वेस्टिगेशन। सो दिस, जब भी हम लोग को फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना होता है, वी यूज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग डेटा। जैसे हम लोग को फील्ड कहीं का करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिमोट सेंस डेटा का यूज करते हैं, जैसे गूगल अर्थ का यूज करते हैं, उस एरिया का गूगल अर्थ को हम लोग गूगल अर्थ से उस एरिया को देख लेंगे। तो फील्ड वर्क इन्वेस्टिगेशन से पहले हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट, यूजिंग दिस रिमोट सेंसिंग। देन अपडेटिंग एंड रिविजन ऑफ एग्जिस्टिंग मैप इज इनएक्सपेंसिव एंड फास्टर। सपोज जीएसआई के पास टोपोग्राफिक मैप्स हैं, ओके, नाउ उनके जो टोपोग्राफिक मैप्स हैं वो बहुत से इंसिटू मेड है, हैंडमेड है। नाउ वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पुराने मैप्स को रीएडिट कर रहे हैं यूजिंग दिस रिमोट सेंस डेटा। अब वो टोपोग्राफिक मैप्स के लिए लोगों को जाना जरूरत नहीं, दे यूज दिस दिस रिमोट सेंसिंग डेटा टू मेक दिस टोपोग्राफिक मैप मोर यूजफुल, समझ रहे हो? प्री एग्जिस्टिंग मैप्स को फिर से वो रीएडिट कर रहा है एंड दिस इज इनएक्सपेंसिव, क्योंकि ये जितने भी डेटा सेट्स हैं वो इजीली अवेलेबल है। जैसे लैंडसेट अमेरिका का सेटेलाइट है, उनका उनका सेटेलाइट का चेन है, लैंडसेट में 18-19 सेटेलाइट्स अभी तक जा चुकी हैं, सो उनके डेटा जैसे फ्री में मिल जाते हैं, इट इज अवेलेबल। दिस डेटा सेट इज इवन यूज बाय गूगल मैप्स, गूगल अर्थ, ओके, सो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन यूज फॉर योर वर्क ऑल्सो, योर रिसर्च ऑल्सो, योर डिजर्टेशन ऑल्सो। हम खुद लैंडसेट का डेटा यूज किए थे फॉर माई डिजर्टेशन, ओके, दिस इज फ्री इन इंडिया। एनआरएसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, वो इंडिया के जितने इसरो के सेटेलाइट हैं उनके डेटा सेट्स को रखता है। यू कैन, मतलब कुछ तो डेटा फ्री अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल नहीं है, यू कैन आस्क देम, और कुछ एक्सपेंसिव है जो उसको खरीदना पड़ता है। ओके, नाउ दिस कलर कंपोजिट्स इंश्योर द डिटेल्स ऑफ द एरिया। सो इन ए इमेज हम लोग को डिफरेंट कलर्स मिलता है, दैट कैन टेल अस कि उनका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अपने साइड वाले से डिफरेंट है। सो यूजिंग दिस कलर कंपोजिट मैप यू कैन इंश्योर और यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इजिली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, इन नेचुरल डिजास्टर स्टडीज एंड रेस्क्यू मिशन बिकम इजी एंड फास्ट। यस, आप रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज करके आप इजिली इसको रेस्क्यू कर सकते हो डिजास्टर्स को। वी यूज ड्रोन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमको एक क्लोज कॉन्टेक्ट की इमेज चाहिए। देन वी यूज ड्रोन्स, यूएवी, अनमैन्ड व्हीकल्स। आर गेटिंग? Is this completed? These are advantages. और ये तो बहुत कम advantages हैं in our daily life. आप सोच भी नहीं सकते कितना remote sensing पर हम लोग best हैं। मतलब हर चीज में remote sensing, from mobile to laptop, everything. Getting or not? जैसे इसमें हम लोग auto adjust लगाते हैं, mobile में auto adjust this brightness. Basically वो क्या करता है कि इस कैमरा से वो हमेशा देखते रहता है कि लाइट कितना है। जैसे ही अंधेरा होगा, दिस
सेंसर ओवर हियर वो सेंस कर लेगा कि अंधेरा है, सो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को मोबाइल के बढ़ा देगा. इट इज अ रिमोट सेंसिंग नो. आप आसपास के एयर को आप टच नहीं करो, बस सेंस कर रहे हो, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ ब्राइटनेस बढ़ जाता है मोबाइल का. सेंसर्स है. लैपटॉप्स में जो कीबोर्ड होता है वो भी सेंस कर लेता है, ग्लो करने लगेगा. वेबकैम का जो कैमरा होता है एप्पल के लैपटॉप्स में, वी हैव दिस वेबकैम नो, इस वेबकैम में सेंसर लगा है, जैसे ही लाइट कटेगी कीबोर्ड्स ग्लो करने लगते हैं. दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग. अब सेंस कर रहे हो, समझ रहे हो? इंटरेस्टिंग और नॉट? ओके, सो रिमोट सेंसिंग अनदर एडवांटेज. ओके, सो यहां हम लोग देख सकते हैं, इसका मतलब यही है कि टू स्टडी एनी प्लेस, इवन इनसाइड दैट प्लेस, अगर आपको देखो सरस्वती रिवर देखना है तो हम लोग उस जगह के रेत को बिना हटाए उस एरिया में वाटर का पता लगा रहे हैं, राइट? रिमोट सेंसिंग का यूज करके, रिमोट सेंसिंग का यूज करके इवन वी कैन स्टडी ओशंस. तो बिना डिस्ट्रॉय किए आप लार्ज डिस्टेंस से, रिमोट प्लेस से आप स्टडी कर रहे हो, समझ रहे हो? पैसिवली कर रहे हो ना, बिना डिस्टर्ब किए. दैट इज दिस थिंग, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, रिमोट सेंसिंग डिवाइस में प्रोग्राम टू कलेक्ट डेटा सिस्टमेटिकली. इट इज सिस्टमेटिक, इट इज मोस्ट सिस्टमेटिक थिंग. इसमें डिग्री ऑफ बायसनेस बहुत कम होता है, डिस्टर्बेंस कम होता है. अंडर द कंट्रोल कंडीशन रिमोट सेंसिंग कैन प्रोवाइड फंडामेंटल बायोफिजिकल इंफॉर्मेशन. बायोफिजिकल, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी स्पीसीज इन अ ओशन, स्पीसीज इन अ फॉरेस्ट, यू कैन यूज दिस रिमोट सेंसिंग. आप हर डायरेक्शन में ऑल कोऑर्डिनेट्स का यूज करके एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आप पता लगा सकते हो टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग. इवन यू कैन स्टडी द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ ओशन. यू कैन स्टडी नंबर ऑफ फाइटोप्लांक्टन्स इन अ गिवन एरिया. इवन यू कैन स्टडी डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर इन साइड ओशन यूजिंग दिस रिमोट सेंसिंग. सी, डिजॉल्व थिंग यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ? सो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेज, इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक्स यू कैन से ऑफ रिमोट सेंसिंग. सो अब हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे. हम पहले ही बताए थे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज हिस्ट्री, एंड थर्ड इज द फिजिक्स बिहाइंड इट. शिल्पी, रॉबर्ट, रितु, मोनिका, राहुल, रूबी, श्री, एनी प्रॉब्लम यू हैव यू कैन आस्क. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? रिप्लाई नो. समझ में कैसे आएगा कि बता रहे हैं? आई कांट सी यू, यू कैन सी मी बट आई कांट सी यू, राइट? यस, ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मोनिका, रॉबर्ट, सीपी, टोपो. ओके, सो हिस्ट्री, लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग. सो हियर वी कैन सी दैट द फर्स्ट एवर रिमोट सेंस्ड फोटो, ये फर्स्ट एवर फोटो है, इन 1858 इन बलून, बलून से लिया गया है फोटोग्राफी ये. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कैमरा उतना इवॉल्व नहीं हुआ था, इनिशियल स्टेज में थे. इवन वी कांट टेक नादिर इमेजेस. देख रहे हो ना, कुछ एंगल पे फोटो ले रहा है, क्योंकि उस समय कैमरा के फिल्म्स इतने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था कि हम लोग ठीक 90 डिग्री पर उस इमेज को ले लें. ऐसा होता था पहले, इंक्लाइंड फोटोज लेना पड़ता था. राइट नाउ वी कैन टेक नादिर इमेजेस ऑल्सो. सेटेलाइट अपने ठीक नीचे की चीजों को भी ले सकता है. ओके, इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है, जस्ट देखो. देन इन 1903 पिजन माउंटेड कैमरा पेटेंटेड हुआ. सो यहां देख रहे हैं कैमरा का साइज बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज किया. पिजन बड़े कैमरास को लेके उड़ नहीं सकते, सो सी स्मॉल कैमरास. देन वी यूज प्लेन माउंटेड कैमरास. रिमोट सेंसिंग डेवलपमेंट, फिर फर्स्ट स्पेस बेस्ड फोटो.
7947 में लिया गया, मार्स 7 को. इसको के लिए हम लोग क्या यूज किए थे, दिस साउंडिंग रॉकेट. दिस रॉकेट्स आर बेसिकली गोज अप टू मेसोस्फीयर यू कैन से, उस हाइट तक, और इवन इवन अबव, बिलो उसके नीचे नहीं, बिलो में हम लोग हॉट एयर बलून्स का यूज कर लेते हैं, बट मेसोस्फीयर और उससे ऊपर जाने के लिए हम लोग इस साउंडिंग रॉकेट्स का यूज करते हैं. सो सी, ये गया था 227 किलोमीटर तक, एंड इट टेक्स अ फोटो ऑफ मैक्सिको, एरिजोना, इस पूरे एरिया में. ये सब रीजन है अमेरिका के, अमेरिका एंड उस पास के एरिया के, मैक्सिको रीजन, नेवाडा रीजन, कैलिफोर्निया रीजन. ओके, देन 1961, अर्थ्स क्लाउड सरफेस एज सीन फ्रॉम एलन सेफर्ड ऑन बोर्ड मर्करी रेडस्टन 3 स्पेसक्राफ्ट से लिया गया, फर्स्ट मैन स्पेस फ्लाइट. सो 1961 में फर्स्ट स्पेस फ्लाइट में आदमी बैठ के फोटोज लिए हैं आदमियों ने. एंड ये तो फेमस है, लूनर मिशन और अपोलो मिशन. This is moon. From moon we are taking image of earth. Okay. Hemispherical half sphere दिख रहा है. First हमारा lunar landing mission. Okay. Then in 1972 launch of Landsat 1 first satellite launch हुआ. अब इस Landsat का नाम कहीं कहीं other अलग name से भी रहता है किसी बुक्स में. सो बेसिकली इसको लैंडसैट अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, पुराने बुक्स में इसी को कुछ और नाम से भी दे सकते हैं. सो अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज गो विथ लैंडसैट. ओके, द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. ओके, देन इन 1986 स्पॉट अ फ्रेंच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इट हैज 10 पैन इज यूज फॉर पैनक्रोमेटिक, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को जनरेट कर सकता है, पैनक्रोमेटिक इमेजेस. And 20 meters of spatial resolution. इसका spatial resolution था, यानी pixel size of the image produced by this sport satellite will be 20 meters only. Okay, इतना होगा. Then here we can see that various satellites at every time. Like अभी भी इसमें से कुछ present है, कुछ active हैं, कुछ inactive हो चुके हैं, कुछ की series चल रहे हैं, जैसे NOAA का series है, INSAT का series है, IRS का series है, Indian Remote Sensing Satellites. इनके सीरीज चल रहे हैं. ओके, सो हियर वी कैन सी. अब हम इन लोग, ये सब फेमस हैं, सो हम इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग. सो द फर्स्ट इज आर्यभट्ट, फेमस मैथमेटिशियन. आर्यभट्ट पे ये है, जीरो का डिस्कवरी किया था इन्होंने. सो इंडियाज फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975. And then after that in 1979 Bhaskar 1, Bhaskar 2 first remote sensing satellite. Then इसमें दो कैमरास थे, that is one is in visible range, one is in near infrared, NIR is for near infrared, and satellite microwave radiometer. So Samir is stand for satellite, Samir microwave radiometer. Okay, so in short it is called Samir sensor. Samir sensor था इस पर. माइक्रोवेव के रेडियोमीटर्स, एक विजिबल और एक एनआईआर, तीनों के एक एक डाला गया था. दो कैमरास थे यहाँ, ऑपरेटिंग एट 19 and 22 गीगाहर्ट्ज. इस गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये वॉक कर रहा था. यू कैन सी द इमेज. और इसको लॉन्च करने के लिए वी यूज रसिया ने, मतलब इसको ये किया था, लॉन्च किया था. दैट टाइम वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी टू लॉन्च दिस सैटेलाइट्स. अभी तो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. Now we are champion. हम लोग we have a record 104 satellite एक साथ भेजने का space में, और उसमें से भी 101 satellites foreign countries के थे, सिर्फ 3 satellites India के थे. Okay. Then remote sensing development. The IRS system is the largest constellation of remote sensing satellites for civilian use in the operation today in the world. With 12 operational satellites. So India का है ये IRS. India का सबसे बड़ा कह सकते हैं IRS, Indian Remote Sensing Satellite. ये civilians द्वारा यूज किया जाता है. इवन दिस नाविक जो अभी लेटेस्ट आ रहा है, मतलब कुछ दिनों में अब जो जियोमीस के फोन आएंगे उसमें भी नाविक मिलेगा. इंस्टीड ऑफ दिस गूगल मैप्स, इंडिया का अपना नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम होगा, दैट इज कॉल्ड नाविक. ओके,
वही होगा, गूगल मैप्स नहीं आएगा, एंड दैट इज प्रिसाइज, दैट इज वेरी प्रिसाइज देन दिस गूगल मैप्स, क्योंकि गूगल मैप्स इंटायर वर्ल्ड के लिए, एंड दिस नाविक इज ओनली फॉर इंडिया एंड नियर बाई कंट्रीज, तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, मतलब उसको आप जूम कर करके आप बहुत क्लोज व्यू ले सकते हो किसी चीज का, इतना अच्छा है, बेटर देन जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका का है. देन इंडिया रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम इज कंप्लीटेड इट्स 25 ईयर्स सक्सेसफुल ऑपरेशन इन मार्च 17, 2013. तो ये जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट प्रोग्राम था 25 सालों तक सबसे ज्यादा दिन तक चला है ना, ये सबसे ज्यादा दिन तक चला है, और 2013 में फाइनली IRS को क्लोज कर दिया गया. नाउ वी हैव डिफरेंट सीरीज जिसका हम लोग भेज रहे हैं, काटो सेटअप भी भेज रहे हैं, ठीक है. IRS को 2013 तक भेजा गया. देन लैंडसेट, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स बोल सकते हैं, लैंडसेट 1, 2, 3 ऐसे कर लैंडसेट 8 तक, एंड 2020 में लैंडसेट 9 जाने वाला है. हियर वी कैन सी दैट दिस लैंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आज हम लोग गूगल मैप्स देखते हैं वो इसी के डेटा सेट्स का यूज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है. नासा इसको भेजता है, नासा पहले USGS भेजा था, देन USGS मर्ज हो गया नासा के साथ, नाउ बोथ आर यूजिंग दिस लैंडसेट डेटा. सो ये वी कैन सी द इंटरवल, सो सबसे सक्सेसफुल जो था लैंडसेट 5 था. सी इसका इंटरवल देखो, 1984 से 2013, लॉन्ग इंटरवल, वेरी लॉन्ग इंटरवल. एंड दिस लैंडसेट 6 इज लाइक इनका फेलियर था, ऑपरेशनल अभी भी नहीं है. फिर ये एक बड़ा था, सो ये वी कैन सी दैट, एंड 2020 मे बी बाय मई लैंडसेट 9 को वो लोग भेज दें. सो उनके ऐसे प्लान है. ओके, ये सारे चीजों के बारे में वो डिटेल में जाएंगे. ओके, इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, और फॉरेन के कुछ जो स्पेशल है दैट थिंग. सो हियर वी कैन सी दैट इसरो मिशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिंस 1988. सो सी फर्स्ट लॉन्चिंग व्हीकल इज फ्रॉम USSR, यूनाइटेड सोवियत संघ जो भी है. USSR इज यूजली यूज फॉर रसिया, रसिया के लिए यूज होता है. ओके, सो वॉस्टॉक, देन वॉस्टॉक, देन फाइनली ओवर हियर PSLV इज फॉर फ्रॉम इंडिया, इट इज लॉन्चिंग व्हीकल ऑफ इंडिया, पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल. ओके, यहां से इंडिया का स्टार्ट होता है. बिफोर दैट ये सारी चीजें रसिया से लॉन्च हुई है, ये तीनों सैटेलाइट्स IRS-1A, IRS-1B एंड 1C. सो यहाँ हम लोगों ने डेवलप कर लिया था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल. राइट नाउ वी आर यूजिंग GSLV मार्क 3, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3. वो उसका जो वेट लिफ्टिंग मतलब जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है. ओके, सो दिस टू आर कंप्लीटेड, अगेन दिस 3 ऑल्सो कंप्लीटेड, these are in service right now, cartosat, resource set 2, cartosat 2a and all. so aise hi questions aayenge, hum log dekhenge questions previous year ke bhi, to aaj to basic hai. any problem batao. now extraterrestrial remote sensing agar dekhte hain india ka, so we have this Chandrayaan-1, one of the india's first lunar probe, and it is very successful. And even Chandrayaan 2 is 95% successful, only 5% is not successful, like ye Vikram and this rover Pragyan, it's not working right now, but orbiter is working. Okay, so this is Chandrayaan 2 and this is Chandrayaan 1. Ab Chandrayaan 1 ka importance ye hai ki like itna late se bheje hum log, 2000 ke baad bheje, 2008 or 9 mein, and isse 25 saal pehle hi America chala gaya tha lunar mission, Apollo lunar mission. Remember this thing. और उसके बाद भी उन लोगों ने बहुत सा ऑर्बिटर भेजा. वो लोग इस समय तो वो लोग मून के सरफेस पे गए थे ना यहाँ, लेकिन उन लोगों ने बहुत से ऑर्बिटर्स को भेजे थे, बट नो वन कैप्चर की वहां वाटर है. फाइनली इन दिस चंद्रयान वन वर्ल्ड को बताया इंडिया ने कि यस मून पर वाटर का प्रेजेंस है. ओके, सो इसरो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया आप कह सकते हो. एंड इफ अगर मेरे क्लास में आपको इंटरेस्ट आ रहा है और लाइक लग रहा है कि CSIR इस बार क्लियर हो जाएगा, देन गो फॉर दिस IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग,
इसरो का है इंस्टीट्यूट इन देहरादून, ज्वाइन दिस, बहुत अमेजिंग है। और यस, क्लास खत्म होते होते आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोग को भी इंटरेस्ट आ जाना चाहिए रिमोट सेंसिंग में। ओके, सो लेट्स डिफरेंशिएट सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग एंड एरियल फोटोग्राफ। दिस एरियल फोटोग्राफ इज ऑल्सो अ रिमोट सेंसिंग, बट हियर द यू कैन से द सिनोप्टिक व्यू इज वेरी लेस। ओके, सो लेट्स डिफरेंशिएट इट। इफ यू सी द स्पीड, सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग हैज वेरी हाई स्पीड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर सेटेलाइट्स। ओके, सो दे मूव एट अ वेरी हाई स्पीड, दे आर हायर टेम्पोरल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन 2 आवर्स 3 आवर्स लाइक दैट, इतना ही होता है। सो स्पीड इज वेरी हाई, हियर द स्पीड इज स्लो। सोचो एरियल फोटोग्राफी ले रहे हैं यूजिंग ड्रोन्स, नाउ ड्रोन्स बहुत स्लो मूव करते हैं, राइट? अभी तक भी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए फास्ट मूविंग ड्रोन्स को, सो दे आर स्लो, नीड्स मोर टाइम टू कवर एन एरिया। ओके, नाउ सेकेंड वन, लेवल ऑफ डिटेल्स 50 सेंटीमीटर इन जियो आई। सी सी इट्स रेजोल्यूशन, ये जो जियो आई है उसका रेजोल्यूशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन इज 50 सेंटीमीटर ओनली। इट कैन सी अप टू 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इज दिस मच, अराउंड दिस मच, मतलब अगर अर्थ पर इतनी छोटी भी चीजें होंगी वो क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ रहे हो? देन लेवल ऑफ डिटेल इज मे अप टू 2.5 सेंटीमीटर। नो डाउट इट इज क्लोज टू द अर्थ सर्फेस, सो इसका डिटेलिंग ज्यादा होगा, ये चीज तो क्लियर है ना? ड्रोन से आप बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट ले सकते हो, क्लोज कॉन्टेक्ट फोटोज ले सकते हो, सो इट्स डिटेल इज नो डाउट मोर, बट अगेन स्लो एंड इट नीड्स मोर टाइम टू कवर। सो वेदर कंडीशन, क्लाउड इज अ बिग हिंड्रेंस टू द ऑप्टिकल डेटा। यस इट इज बिग हिंड्रेंस टू द ऑप्टिकल डेटा, बट फॉर दैट वी हैव माइक्रोवेव, राइट? माइक्रोवेव रेडिएशन इज देयर, इट कैन यूज, वी कैन यूज इट यूजिंग लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो, बट आप माइक्रोवेव का यूज करके हर चीज को स्टडी नहीं कर सकते। ओके, सो जैसे आपको कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है कि इन ओशंस वट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइटोप्लांकटन एंड ऑल, देन वी यूज विजिबल। फॉर स्टडिंग द सी सर्फेस टेम्परेचर वी यूज थर्मल, फॉर क्लाउड स्टडी, फॉर हरिकेन स्टडी एंड लाइक दिस वी यूज दिस थिंग माइक्रोवेव। सो हर चीजों के लिए एक चीज बना हुआ है, एक कॉमन वेवलेंथ बना हुआ है, वी कांट यूज एनी रेडिएशन फॉर एनी स्टडी, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ वेदर कंडीशन मेन वर्क इन अ हाई क्लाउड एंड थिन क्लाउड, इट कैन वर्क, इट कैन वर्क। ओके, टाइप ऑफ डेटा लेस एज ईच न्यू डेटा टाइप नीड्स न्यू सेटेलाइट लॉन्चिंग। अब देखो सपोज कि ओवर हियर ड्रोन्स में क्या है सीन कि इट इज क्लोज। ओके, यहाँ सिंपली अगर कैमरा भी हम लगा दें अपने मोबाइल का ड्रोन में, इट कैन कैप्चर एवरीथिंग। ओके, बट इन द केस ऑफ व्हाट सी सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग, हमको स्टडी करना है सपोज जो सेटेलाइट अभी ऑन गोइंग सेटेलाइट है उस पर जू प्लांकटन स्टडी कर रहे हैं या फिश स्टडी कर रहे हैं, फिश के प्रोडक्टिव जोन्स पे स्टडी कर रहे हैं, सपोज बार्निकल्स का करना हो तो अब नया सेंसर ऐड करना होगा ना, सेंसर ऐड करना होगा नया, बट यहाँ वैसा नहीं है, आपको पूरा एक सेटेलाइट भेजने की जरूरत नहीं, जस्ट यहाँ आप प्रोग्राम को चेंज करो। सपोज ये जो मेरा मोबाइल है इट कैन कैप्चर ओनली विजिबल विजिबल फोटोज, विजिबल रेडिएशन में कोई भी फोटो ले सकता है, सपोज इंफ्रारेड में लेना है तो हम यहाँ कैमरा ही चेंज कर देंगे, इजी है इसको चेंज करना, उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आपको एक पूरा सेटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत नहीं, जस्ट चेंज द सेंसर इन द सेम ड्रोन यू कैन पुट दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी चीज को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत से ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं लाइक स्पेसएक्स, इलॉन मस्क का कंपनी है, दे आर वर्किंग ऑन रीयूजेबल रॉकेट्स, ताकि एक ही रॉकेट का यूज करके हम लोग मल्टीपल टाइम्स सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाल सकें। अभी तक ऐसी चीजें नहीं आई हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट, सक्सेसफुल भी उनके कुछ प्रोटोटाइप्स रहे हैं। ओके, टाइप ऑफ डेटा लेस एज, ये तो हो गया। लोकेशन, क्रॉस बॉर्डर इमेज एंड लार्ज स्वाथ इमेज कैन बी इजिली टेकन, वी कैन क्रॉस लाइक क्रॉस द बॉर्डर राइट यूजिंग सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स हम क्रॉस बॉर्डर की इमेजेस ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजिंग ड्रोन्स, अगर सोचो ड्रोन का यूज करके हम लोग पीओके में इंटर कर जाए तो वो अच्छा नहीं है ना, लाइक
आप परमिशन लेना होता है, यहां कोई परमिशन की जरूरत नहीं, स्पाई करने के लिए यहां परमिशन की जरूरत नहीं, यू कैन पुट एनीवेयर, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है. ओके ओके देन क्रॉस बॉर्डर इमेज कैन नॉट बी टेकन विदाउट एनी परमिशन. सिंपली पोस्ट प्रोसेसिंग इट इज इजी बिकॉज द सिंगल इमेज कवरिंग अ लार्ज एरिया. अब सोचो कि ड्रोन्स का यूज करके आपको लार्ज एरिया की स्टडी करनी है तो आपको मल्टीपल इमेजेस लेने होंगे या तो एक वीडियो लेना होगा, राइट? सो यहाँ डेटा बहुत बड़ा होता है, स्मॉल एरिया के लिए आपको बहुत से मल्टीपल इमेजेस लेने होते हैं. देन वी क्या करते हैं, सारे इमेजेस को मर्ज करके फाइनल एक इमेज बनाते हैं. सो इट इज डिफिकल्ट ओवर हियर, पोस्ट प्रोसेसिंग इज वेरी डिफिकल्ट. ओके सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ. नाउ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग. सो वॉट इज एक्टिव, वॉट इज पैसिव. अब सोचो सपोज रात में कैमरा से फोटो ले रहे हैं, ओके तो दिस इज पैसिव बिकॉज रात में फ्लैश लगा नहीं हुआ है. सपोज इस कैमरे में फ्लैश हम हटा दिए, देन इट विल बी पैसिव क्योंकि इसके पास अपना कोई सोर्स नहीं है. रात को अगर फोटो लेंगे तो ब्लैक आएगा. बट इन अ केस अगर हम इसका फ्लैश ऑन कर दें, देन इट गेट कन्वर्टेड इन टू द एक्टिव रिमोट सेंसिंग. सी फ्लैश ऑन हो गया, दिस इज अ एक्टिव रिमोट सेंसर नाउ. सो मोबाइल विद फ्लैश इज अ एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड विदाउट फ्लैश इज अ पैसिव रिमोट सेंसिंग, लाइक दिस. ओके आर यू गेटिंग अ नॉट ऑल ऑफ यू? सी जब तक रिमोट सेंसिंग को डेली लाइफ के एग्जाम्पल से नहीं समझे ना, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी. ओके समझ में आ रहा है? रिप्लाई नो रितु, राहुल, रूबी, श्री, मोनिका. ओके ओके एवरीबॉडी इंटरेस्टिंग नो? ओके फाइनली मेजर्स आइदर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फ्रॉम द सन. सो इन अ केस ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग वी यूज इनडायरेक्ट रेडिएशन जो या तो सन से आ रहे हो या तो अर्थ खुद इमिट कर रहा हो, बोथ वी कैन यूज, बोथ आर पैसिव रिमोट सेंसर्स. ओके पैसिव रेडिएशंस हैं. इन केस ऑफ एक्टिव रेडिएशंस जैसे कि माइक्रोवेव, माइक्रोवेव खुद अपना जनरेट कर रहा है. सो सेटेलाइट विद अ ओन सोर्स इज कॉल्ड अ एक्टिव रिमोट सेंसर जस्ट लाइक अ मोबाइल. ओके देन suffers from variable illuminance condition of the sun and influence the atmospheric condition. Okay, so in a case of passive remote sensing, it has some demerits. First one is ki ab dekho, jaise sometimes we have clouds. In that day we can't use this remote sense data, no, kyunki tab wo sare radiations aa nahi payenge. But in a case of active remote sensing, microwave can penetrate cloud. At that point of time, this active remote sensing is more useful. समझ में आ रहा है? So this passive remote sensing depends upon climatic condition. It depends upon atmospheric condition. If it is a night time, in that case, passive remote sensing, we can't use passive remote sensing, right? But active remote sensing can be used even daytime, nighttime, anytime you can use it. अगर ओवरऑल भी देखो तो पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर मोर एज कंपेयर टू द एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. तो पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में करते क्या है, हम लोग इसको ऐसे लॉन्च करते हैं, ऐसे ये ऑर्बिट करता है कि इट ऑलवेज सन सिंक्रोनस. सन सिंक्रोनस मतलब उस एरिया में होगा जहां सनलाइट हो, ऐसा नहीं कि नाइट टाइम में यहां से पास कर रहा है. व्हाट अबाउट अ नाइट विजन एक्टिव और पैसिव? सी In, during night time only this microwave can work, no? And during night time this emitted radiation can be used. Even during the night time you use this emitted radiation to get surface temperature. समझ में आ रहा है? ये satellite में ऐसा नहीं है कि night vision camera है. Even in the night time you can see colors. और night vision cameras में actually IR radiations ही आते हैं. You can't see visible in night vision camera. तो यहां तो बोल तो रहे हैं. This passive remote sensing can be used in day and night से. यहां देखो day and night दोनों में emitted use कर रहे हैं. अगर emitted होगा then we use in day as well as in night. So रात में भी IR radiations release होते हैं and that radiations
कैन बी यूज्ड बाय सेंसर्स, सेंसर्स यूज कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट रिफ्लेक्टेड लाइट्स? रिफ्लेक्टेड लाइट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द डे एंड माइक्रोवेव रेडिएशन इज ऑलवेज यूज्ड इन डे एंड नाइट बोथ, ये तो कभी यूज होगा. बट ऐसा नहीं है कि माइक्रोवेव इज प्रोड्यूस ओनली आर्टिफिशियली, नेचर में भी माइक्रोवेव रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, पॉसिबल. सो कोई भी रेडिएशन फॉर्म हो रहा है ये डिपेंड करता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है. अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, एंड इफ द टेम्परेचर इज वेरी लेस इन दैट केस फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी लेस, वेवलेंथ इज वेरी मोर, वेरी हाई. ठंडी चीजें बड़े वेवलेंथ को प्रोड्यूस करते हैं, गर्म चीजें छोटे वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सन. सन छोटे वेवलेंथ को ज्यादा प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू द बड़ी वेवलेंथ. अर्थ बड़ी वेवलेंथ को प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो ठंडा है. आर यू गेटिंग इट? डिफरेंस समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? अब सोचो, जस्ट इमेजिन वी हैव अ सैटेलाइट. नाउ दिस इज दिस सैटेलाइट हैज अ सेंसर विच वर्क्स इन अ विजिबल रीजन एंड दिस सेंसर इज अ एक्टिव सेंसर. विजिबल रीजन में है एंड इट इज ए एक्टिव सेंसर. तो सोच रहे हो कि अगर नाइट टाइम में ये किसी एरिया से पास कर रहा है, नाउ दिस इज एक्टिव, नो, तो इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट एंड ये विजिबल में वर्क कर रहा है. विजिबल मींस व्हाट? कि विवग्योर फ्रॉम वायलेट टू रेड, दैट मींस इट वर्क्स लाइक अ सीएफएल और अ एलईडी बल्ब इन अ स्काई एट से 700 किलोमीटर. ऐसा लगेगा कि 700 किलोमीटर पर एक सीएफएल चल रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल. समझ में आ रहा है? इमेजिन करो, मतलब ये इसका जितना बड़ा स्वाथ होगा, स्वाथ इज द एरिया कवर्ड बाय दिस सैटेलाइट, उस एरिया में ऐसे फ्लैश की तरह वो ग्लो करते रहेगा, विजिबल लाइट. इज दिस क्लियर? Okay, now moving to the next slide. So, unmanned aerial vehicle UAV or drone based remote sensing, के advantage and disadvantage. Let's see क्या advantage and क्या disadvantage है. First is UAV based remote sensing is for large scale mapping and real time assessment and monitoring activities for various applications. जैसे matches, match जो चलता है उसमें हम लोग UAV का आजकल use कर रहे हैं. रियल टाइम में हम लोग मैच को अपने घर पे देख सकते हैं यूजिंग दिस ड्रोन्स, राइट? लार्ज स्केल मैपिंग करना हो, रियल टाइम करना हो, देन वी यूज दिस. वी कांट यूज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ओवर देयर. अब सोचो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो कंटिन्यूअसली मूविंग है ना, तो यानी वो 100 मिनट्स के बाद, 100 मिनट्स पर, जैसे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर है, आफ्टर अगेन 100 मिनट आएगा तो 100 मिनट तो फिर दिखेगा नहीं. इसे समझ रहे हो? सपोज दिस इज अ पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, मोहाली में क्रिकेट चल रहा है, सैटेलाइट इज ओवर हियर, ये इसको कैप्चर कर रहा है, ओके, इस हाइट से कैप्चर कर रहा है. नाउ आफ्टर सम टाइम इट विल मूव, नो, आगे, ये कुछ आगे मूव कर जाएगा, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस एंड इट इज मूविंग लाइक दिस. सो क्रिकेट ग्राउंड कुछ देर के बाद यहां आ जाएगा. सी, दिस इज क्रिकेट ग्राउंड, ओके. Now satellite is moving like this. So it is moving like this, no. After some time ये चीजें फिर पीछे आ जाएंगी और ये satellite भी इसके पीछे आ जाएगा. So एक time gap बन जाएगा ना. So that time we never use these satellites. Now what about geostationary satellite? Yes, वही पूछ सकते हैं. But see, जितने ज्यादा distance बढ़ता है resolution उतने खराब हो जाता है. It is 36,000 kilometers. Resolution बहुत खराब होगा. You can't even see small ball. 36,000 किलोमीटर से तुमको बॉल देखना है, देख सकते हो? It's not possible. What? Possible or not? Resolution बहुत खराब हो जाएगा ना. See, क्रिकेट बहुत स्मॉल स्केल पे हो रहा है ना, छोटा सा. You want to see everything clear cut, कि कोई आउट हुआ, कोई कैच हुआ है ना. So as we increase the altitude, resolution decreases, right? बट ओवर हियर इन अ केस ऑफ ड्रोन बेस्ड सेटेलाइट वो बहुत क्लोज है, रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, राइट?
इसी समझ में आ रहा है कि यस ओके नाउ यूवीज कैन परफॉर्म इफिशियंट सर्विस फॉर डिजास्टर प्रोन और फिजिकली इनएक्सेसिबल एरियाज ट्रिक डैमेज असेसमेंट ऑफ लैंडस्लाइड फ्लड्स अर्थक्वेक फॉर इनेबलिंग रिलीफ मेजर्स बेसिकली आप ये कर सकते हो कि वैसे एरियाज जो कि इनएक्सेसिबल है विच इज अंडर अ थ्रेट वहां ड्रोन्स वर्क करते हैं हम बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट से फोटो ले सकते हैं रिमेम्बर किसी ने गरुड़ मूवी देखा गरुड़ नहीं इट्स उरी उरी मूवी में यूज वी यूज दिस गरुड़ ड्रोन में नाइट सेंसिंग कैमराज लगे हुए थे वो आईआर में मतलब आईआर रेडिएशंस को भी मेजर कर सकता था व्हाट आई एम सेइंग इज उरी मूवी में वी हैव दिस गरुड़ नो गरुड़ ड्रोन वो क्लोज कॉन्टेक्ट में इन इनएक्सेसिबल एरियाज में जा रहा है थ्री ऐसे एरिया में जा रहा है जहां लाइक सेटेलाइट से मूव करना इजी नहीं है इनसाइड अ केव मूव कर रहा है वो इमिटेड रेडिएशन को मेजर कर ले रहा है ह्यूमंस के राइट सो ये सब बेनिफिट्स हैं आप बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट से आप नजर रख सकते हो किसी पर अबाउट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट राहुल व्हाट आई एम सेइंग इज The height of geostationary satellite is 36,000 kilometers. It is very far from the Earth's surface. So, cricket के लिए use नहीं होता. We use this for communication and all. You can't view small balls and all using this geostationary satellite. एक छोटे से cricket में ball move हो रहा है, wicket लग रहा है, कोई catch कर रहा है. You can't see this, no. बहुत time taking है और बहुत resolution खराब होगा. So, you can't use this. Now leave it. Third point can acquire data of various environment that are dangerous to the human life. Yes. See tsunamis, earthquakes, volcanoes. Volcanoes ke ekdam close hum log khud nahi ja sakte. So we use drones. At that point of time, flood area, high tide kahin aa jaye, cyclones aa jaye, over there we use this drone. Tornadoes jo hote hain, unke close drone se hum log photo shoot karte hain. Drone ka use karke. ड्रोन कैन मूव सी दिस टोर्नेडोज नो वो कहीं भी मूव कर जाते हैं रैंडमली सो रिस्क क्या लेना वी यूज दिस ड्रोन ओवर देयर कैन एक्वायर अ विजुअल एंड थर्मल इमेज यस सो विजुअल मीन्स सिंपली कैमरा को ड्रोन में लगा दो इट कैन टेक विजुअल इमेज विजिबल इमेज विजिबल रेंज में ये वर्क करेगा बट इन केस ऑफ थर्मल इमेज वी नीड आई आर सेंसर्स टेम्परेचर कितना रिलीज हो रहा है वो चीज वो मेजर कर सकता है सो ड्रोन दोनों कर सकता है प्रोग्रामेबल टू कंप्लीट मिशन एंड ऑटोनोमसली सो इसको प्रोग्राम कर सकते हैं पूरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए जैसे गरुड़ वाला एग्जांपल दिए प्री प्रोग्राम था जस्ट हम लोग उस समय ऑपरेट कर रहे थे ना उसे नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज इज Again, synoptic view very less. It can be hacked easily. Close है ना, so it can be hacked. This drone can be hacked easily. And then data set बहुत बड़ा होता है. Large number of datas होते हैं इसमें. So these are some disadvantages. यहाँ देख सकते हैं. Limitation of size of study area. First की it is limitation. Synoptic view बहुत छोटा तो बहुत छोटे area को ही study कर सकता है detail में. Constraints in the processing large volume of data. अब suppose कि कैमरा में ही हम इसको ड्रोन पे लगा दिए Now it is taking video of the entire area. अब सोचो कि अगर एक घंटे भी ये उड़ता है तो एक घंटे में बहुत ज्यादा बड़े बिग फाइल को स्टोर करेगा ना हम लोग जो रॉ डेटा लेते हैं यूजिंग सेटेलाइट्स इट इज वेरी स्मॉल जिप फाइल्स में वो छोटे होते हैं बट सपोज इसको फिट कर दे एंड इट इज टेकिंग वीडियो ऑफ द इंटायर एरिया इन दैट केस अगर 4K में वीडियो ले रहे हैं 8K में वीडियो लेंगे क्योंकि हमको स्टडी कर रहा है ज्यादा क्लियर होना चाहिए So the volume of data will be more in that case. So अगर volume of data ज़्यादा है तो large storage भी चाहिए होगा. Requirement of large scale processing and large storage space. In addition, existing features capturing, extracting techniques need to improve processing of high dimensional UAV data. So अब इसको process करने के लिए भी technique बहुत extraordinary चाहिए. Okay. Immoral means what? We can स्पाई नो ये मोरालिटी सो नहीं कर रहा है वी कैन स्पाई वी कैन मतलब दूसरे के घर को आप ड्रोन से उसके अंदर आप जा सकते हो इंटर कर सकते हो स्पाई कर सकते हो तो इट इज इमोरल
इन दैट सेंस इमोरल लिखे हैं, कैन बी हैक्ड, लिमिटेशन ऑफ पेलोड. अब सोचो ड्रोन ज्यादा हेवी चीजों को कैरी नहीं कर सकते, सो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ पेलोड. वी कांट पुट अ लॉट ऑफ सेंसर्स, ज्यादा सेंसर सेम पर नहीं, मल्टी स्पेशियल मल्टी स्पेक्ट्रल नहीं बना सकते हम लोग. ओके, वेदर कॉन्स्टेंट्स, अगेन वेदर अफेक्टिव है. इफ द रीजन इज फुल ऑफ से बहुत तेजी से आंधी चल रही है, स्टॉर्मी कंडीशंस इन दैट केस, और रेन हो रहा हो, सो अंडर वाटर कंडीशन हेवी प्रेसिपिटेशन इट कांट वर्क, खराब हो जाएगा. इट इफ कॉन्टेक्ट इज लॉस्ट विथ कंट्रोल देन यूएवी में ऑल्सो लॉस्ट. अगर वो आपके कंट्रोल अगर लॉस्ट हो जाता है इन दैट केस पूरा डेटा अलोंग विद द सेंसर एंड ऑल वो सारा लॉस्ट हो जाता है. सो दिस इज द सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूएवी. ये चीज क्लियर हुआ, सो सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटेड नाउ. हिस्ट्री कंप्लीट, डिफरेंट टाइप्स कंप्लीट. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट फिजिक्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल, और ये जरूरी है. बोलो कोई प्रॉब्लम, एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? मोनिका फ्री, क्लियर एवरीबडी? शिल्पी टोपो, रितु किक, रितु रॉबर्टसन, राहुल सिंह, ओके ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, सब चीज समझ में आ रहा है. ओके क्लियर. ओके नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो बिफोर गोइंग टू दैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी ऑल्सो रिटेन एज ईएम रेडिएशन. ओके नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पूरे स्पेक्ट्रम को ईएमएस कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. स्टार्टेड विद गामा, इसके पहले भी कॉस्मिक होता है, बट ओवर हियर वी आर स्टार्टिंग विद गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, देन आईआर, देन माइक्रो, देन रेडियो. ओके ओके सो दिस इज गामा, एक्स, यूवी. सो इट इज after violet, that's why it is called ultraviolet. Ultraviolet, violet or ultraviolet, when violet se bhi jada, so it is called ultraviolet. And this is vibgyor hota hai na, in visible we have vibgyor. So B is for violet and R is for red. Ye red hai, this is less than red, here the frequency is less than red, that's why it is called infrared. It is here the frequency is more, as we move this side wavelength increases, as we move this side energy increases, frequency increases, right? Frequency mu is increasing. Now ye dono cheeze related kaise hain, wavelength and this, can you tell me the formula, the relation between this energy as well as frequency you can say and wavelength? So the formula is C is equal to lambda nu. Means you can say that lambda is inversely proportional to nu. If lambda increases, then energy decreases, frequency decreases. Okay. Now what is frequency? Number of wavelength passes through a point, that is a frequency. Okay. And the distance between two waves, crest and trough, it is called wavelength. Simple. Is this clear? Now for remote sensing over here we use electromagnetic radiations. But जरूरी नहीं है कि सारे remote sensing में electromagnetic radiations ही use हो. Can you tell me any example where we are not using this EMS? कहीं EMS नहीं use हो and over there we are doing the same thing, remote sensing ही कर रहे हैं without using EMS, is it possible? सोचो,
एनीबडी विदाउट यूजिंग दैट इज ऑल्सो एक्टिव दैट इज ऑल्सो ई एम एस इन एक्टिव रिमोट सेंसिंग वी यूज माइक्रोवेव्स नो माइक्रोवेव्स आर द पार्ट ऑफ दिस ई एम एस हम ऐसा नहीं पूछे कि नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स बताइए दिस इज ये सारे वेव्स नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो सकते हैं दिस गामा रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय सन एट द सेम टाइम रेडियो एक्टिव भी गामा रेडिएशन छोड़ता है दिस आईआर इज प्रोड्यूस बाय द अर्थ एट द सेम टाइम आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस दिस आईआर रेडिएशन पॉसिबल है हाँ सारा चीज हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं विजिबल बाय फायरफ्लाइज जुगनू फायरफ्लाइज इट कैन प्रोड्यूस विजिबल रेडिएशन In ocean studies, we use sound waves, and sound waves are not electromagnetic waves, right? Are you getting or not? We use sound inside of oceans to remotely sense the surface waves and all. Yaad aa raha hai? The speed of sound in water is 1500 meter per second. But if you pass this light now inside of water. In a fresh water, its speed is very high. But our oceans don't have this fresh water, no. They have saline water. They have a lot of suspended particle, dissolved organic matter, total suspended matter is there. A lot of things are there, which can attenuate the light. So we can't use this light inside of water for remote sensing, for studying the surface and all. Over there, we use what? Over there, we use sound. We use longitudinal waves and that is based on this longitudinal range it's not based on EMS to remote sensing wahan bhi hota hai samajh mein aa raha hai is it clear remember ocean bottom seismometer there we use T waves are nothing but tertiary waves is a kind of a sound wave Is it not a electromagnetic wave? It is a sound wave. And this wave is used to measure underwater seismic actions, seismic activity. Getting or not? Is this clear to you all? Yes, that is also based on sound, no? Eco sounder, sonar, eco ranger, everything is based on sound. Underwater study is only for sound. Sonar का full form ही होता है sound navigation and ranging, right? Any problem? Okay. Now this EMS stands for electromagnetic spectrum. Means here we have electric field as well as c is speed of light 3.3 into 10 to the power 8 meter per second over here we use c for light okay speed of light all ems sare ka speed hoga 3 into 10 to the power 8 sare electromagnetic spectrum hai na सब इतने स्पीड से मूव करते हैं बट एनर्जी डिफरेंट हो सकती है ओके ये चीज याद रखो चाहे वो कोई भी रेडिएशन हो स्पीड इज ऑलवेज फिक्स बट द एनर्जी इज डिफरेंट जैसे एग्जांपल देते हैं सपोज यू आर ओवर हियर एक कार आता है इट हिट्स यू विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकेंड And there is a truck. Here this truck hits you with the same speed. So truck ke paas mass jyada hai. That means it has now more inertia. More inertia means more energy. So isse jyada destroy hoga na. Like this only. Radio waves ke wavelength jyada hai. But energy kam hai. But radio waves bhi usi speed se move kar raha hai. 3 into 10 to the power 8. But because of less energy... It never pass through a like steel or a hard surface, but gamma rays it can penetrate.
इट कैन पेनेट्रेट, इट कैन पेनेट्रेट अ स्टील बॉडी, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है. स्पीड इज सेम बट द एनर्जी इज डिफरेंट. नो एग्जाम्पल को रिलेट करो. वन इज स्मॉल नैनो कार एंड वन अदर इज ट्रक. ट्रक की इनर्सिया ज्यादा है ना, मास ज्यादा है, तो ये जब हिट करेगा सेम वेलोसिटी से तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, राइट. वी यूज एक्सरेज, राइट. एक्सरे मशीन में होता क्या है, वो हमारी स्किन को भी पेनिट्रेट कर देता है. देन ओनली वी गेट अ शैडो. जब जैसे फ्रैक्चर हो गया इस पार्ट का, हम लोग एक्सरे मशीन में हाथ डालते हैं. सो दिस स्किन इज पेनिट्रेटेड बाई एक्सरे. एक्सरे बीम से ये पेनिट्रेट हो जाता है बट आवर बोन्स ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो इसका शैडो बन जाता है. एक्सरे ग्राफ पर वी हैव अ शैडो ऑफ आवर बोन्स. इट कांट पेनिट्रेट द बोन बट इट कैन पेनिट्रेट आवर स्किन. समझ में आ रहा है. यूवी के केस में ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इट बेसिकली अल्टर्स आवर डीएनए व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद इट. विजिबल नो प्रॉब्लम, आईआर नो प्रॉब्लम. आईआर में भी दो तरह के, एनआईआर एंड थर्मल आईआर. थर्मल मतलब हीट सेंसिटिव होता है. अगर यू आर एक्सपोज टू द थर्मल आईआर देन यू फील हीट. इफ यू आर एक्सपोज टू द रिफ्लेक्टेड आईआर देन लाइक इट जस्ट लाइक अ विजिबल. इट्स जस्ट लाइक अ विजिबल. एनआईआर इज क्लोज टू द विजिबल एंड थर्मल आईआर इज अवे फ्रॉम द विजिबल. दिस एनआईआर इज बेसिकली रिफ्लेक्शन इज देयर. रिफ्लेक्शन होता है बट इन केस ऑफ अ थर्मल आईआर वी हैव इमिटेंस. वी हैव अ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सर्फेस. इमिशन ऑफ रेडिएशन. इज दिस क्लियर. नाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होल स्पेक्ट्रम इज बेसिकली लाइट. Light can be in any form. It can be invisible. Hello everybody, there is a technical issue, sorry for that. Can you hear me? Can you hear me guys? There is a technical issue, sorry for that. Connection re-established, don't worry. Can you hear me? No? Okay, so what I'm saying is this electromagnetic spectrum is made up of both electric and magnetic field. At the same time, it is made up of particles also. Now, this electric and magnetic fields are in the form of waves. Waves ke form mein hota hai, electric and magnetic field. If you see, it is something looking like this. See, ye dekh raho. These waves, one is magnetic wave, one is electric wave. It has two waves perpendicular to each other. And sometimes this light behaves as a particle. It has a dual nature. See, ये जो light है ना, it is one of the most confusing thing in a physics. आप बचपन से start करते हो, initially in during 7th class and 8th class, we study this light as a ray. उस समय ray लिखा रहा था, ray optics. We study ray optics, right? So like chapters like mirror. Spherical mirror and then concave mirror, convex mirror. Over there we use this ray of light to produce image, right? तो शुरू में हम लोग ray पढ़ते हैं और उससे जब हम लोग फिर 11th class में जाते हैं then we study light as a particle and then in 12th फिर again आता है कि no, it light is not a particle, it is a wave and then again it has a dual nature and then in quantum physics
वहां ये बोलता है लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर. ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि लाइट किस तरह से बिहेव करेगा. सो लाइट कुछ भी हो सकता है. ये रे भी है, इट इज अ पार्टिकल, इट इज अ वेव, इट इज नाइदर वेव नॉर पार्टिकल नॉर रे, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंट विच यू आर परफॉर्मिंग. इस पर डिपेंड करता है लाइट. अब हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट चीजें यूज करते हैं लाइट की डिफरेंट चीजों को. जैसे इफ यू वॉन्ट टू सपोज, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इफ यू वॉन्ट टू स्टडी रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया, तो आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया नहीं ना लोगे. दैट टाइम वी यूज रोड नेटवर्क मैप ऑफ इंडिया. इफ यू वॉन्ट टू स्टडी हिली ट्रेन्स, देन वी यूज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. सिमिलरली लाइट के डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट तरीकों से लाइट को समझा जाता है. जैसे इफ यू वॉन्ट टू स्टडी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन वी कंसिडर लाइट एज अ वेव. इफ यू वॉन्ट टू मेक टेलीस्कोप, देन वी कंसिडर लाइट एज अ रे. If you want to study photoelectric effect, then we consider light as a particle. So it depends ki kis tarah ki study karni hai. Are you getting or not? Is this clear to you all? So it depends ki aap kis tarah ki study karte ho. Light can behave kaise bhi behave kar sakta hai. We don't know exactly it is what it is. Okay, so so in this case of remote sensing, we have to have this electromagnetic radiation. Yani we need this electromagnetic radiation either as a source of light, either wo ye source jo light ka hai wo sun se hai, doesn't matter, ya khud wo object hi produce kare. Even satellite bhi produce kar sakta hai, source koi bhi ho sakta hai. Now this electromagnetic radiation has fundamental properties and behaves in a predictable ways according to the basic wave theories. तो basic जो भी wave theories हैं उनके fundamental properties को ये follow करने वाली चीजें हैं. अब सोचो, you know that, know this thing, Doppler's effect. कि as we move away from the source or towards the source, and if there is a relative velocity in between a source and a observer, then the frequency of sound will change. This is a Doppler effect. Simple example, whenever suppose you are in traffic, okay, red light hai aur tum traffic mein fase ho. Suppose during that time ek fast moving car aa raha hai, ambulance aa raha hai, ambulance apne siren ke sath. To jab siren tumhare paas aayega, when it is suppose you are here, okay, I'm making a picture. Suppose red light hai, red light is over here. This is a line. You can't cross now. You are on the bike. Okay. You are on the bike over here. यहाँ बैठे हुए हो. And यहाँ से एक आ रहा है ambulance. Okay. So over here we have an ambulance. Fast moving ambulance with a siren. यहाँ siren लगा हुआ है. Okay. So उस समय ये appear होगा कि this sound is actually moving towards you, no? Source है stable, this नहीं, observer is stable and this source is moving. So it appears that कि जो sound का pitch है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है. Pitch बढ़ना, pitch कम होना समझते हो? जैसे suppose मेरा अगर video net के कारण slow पड़ जाए, तो मेरा आवाज slowly slowly सुनाई देगा like this. और अगर pitch बढ़ जाए तो बहुत तेजी से हम बोलने लगेंगे लाइक दिस. वो हो गया मेरा पिच, बहुत हेवी हो गया पिच, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना. बहुत तेजी से अगर हम बोलने लग रहे हैं तो हाई पिच, और बहुत स्लो स्लो बोल रहे लाइक दिस, तो वो मेरा पिच कम हो जाना होता है. ठीक है. सो नाउ दिस कार इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इन दैट केस माई पिच विल इंक्रीज. वाई? द रीजन इज कि ऑब्जर्वर यहाँ स्टेडी स्टेट में है. ये ऑब्जर्वर है, ठीक है. यहां सायरन से साउंड आ रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस कार इज मूविंग टुवर्ड्स हिम. सो ऑल द साउंड वेव्स इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया, सो पिच इंक्रीज. सिंपल, वेवलेंथ अगर छोटा होता है तो एनर्जी इंक्रीज करती है, राइट?
Whenever wavelength is small, then energy will increase, frequency will increase. See, over here frequency will increase. So, इसको high pitch में सुनाई देगा. Till ये यहाँ तक पहुँच जाए तब तक high pitch. Whenever this car crosses him, in that case, slowly slowly the wavelength will start increasing. इसके बाद जो wavelength होगा वो increase करना शुरू हो जाएगा. क्योंकि now this is moving away from the observer. So, now pitch is less. तो उसको साउंड ऐसे सुनाई देगा लाइक दिस एंड हेवी पिच ऐसे समझ रहे हो. एक्चुअली आई कांट प्ले. इज दिस क्लियर और नॉट ऑल ऑफ यू बताओ. राहुल यू टेल मी. ओके ये आवाज सुनो. दिस इज द इफेक्ट ऑफ डॉपलर. सो नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. सो अभी देखा ये अभी पिच हाई था. इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. Now it crosses the observer. अब देखना pitch बढ़ जाएगा. So now see slowly slowly sound becomes faint. You are getting this. ये चीज समझ में आया. Slowly slowly ये faint हो गया. Why? It's all because of कि जब ये observer से दूर जा रहा है this wavelength is increasing. They are moving wide apart. तो पिच स्लो हो जाएगा. Yes, right, Rahul. Speed forward in any video. वीडियो को बहुत तेजी से अगर फास्ट कर देते हैं तो पिच बढ़ जाता है. ये वीडियो सुना ना एम्बुलेंस का. Is this clear or not? All of you. जब तुम ट्रैफिक में फील करना उसको तब हम याद आएंगे. मेरा ये लेक्चर याद आएगा. इज इट क्लियर रितु. रितु एनी प्रॉब्लम? क्लियर. अब यही चीज लाइट के साथ होती है. लाइट भी जब क्लोज टू द बॉडी जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. सो सपोज अ विजिबल रेडिएशन है इट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर. सो कॉम्प्रेसेस मतलब नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट एरिया बढ़ गया ना. जल्दी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया सो एनर्जी विल इंक्रीज. सो इफ इट इज विजिबल देन इट शिफ्ट्स टुवर्ड द ब्लू कलर एंड इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन इट एक्सपैंड्स एंड इन दैट केस इट बिकम्स रेड कलर. और उससे भी ज्यादा एक्सपैंड करेगा तो इधर आईआर में चल जाएगा. बट आफ्टर रेड यू कांट सी. आफ्टर डेट सेंसर्स उसको समझ सकते हैं सी कर सकते मतलब उसको रीड कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट. दिस इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट. सेम चीज अगर इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इफ यू इंक्रीज द एनर्जी दैट मींस कि दिस सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द यू तो वो तुमको रेड कलर का दिखने लगेगा. अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो. सपोज यू आर इन अ स्पेस. जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील दैट यू आर इन स्पेस. ओके ओके नाउ यू आर इन स्पेस. वन स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स यू. वन स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स यू. सो वो स्टार का जो फर्स्ट कलर होगा सिंस इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू मतलब उससे जो भी लाइट्स आ रही होंगी दैट विल become like very low wavelength. ऐसा हो जाएगा ना. wavelength उनका slowly slowly कम होने लगेगा right. so firstly this star appears you as a पहले तो black होगा then it appears as a violet color. as it approaches towards you it get converted into violet. initially it's not violet but slowly slowly जैसे ही सबसे ज्यादा close होगा it is violet color. then as it is move away जैसे तुमको cross करेगा then slowly slowly slowly
वॉलेट के बाद इंडिगो विवियोर का पूरा फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेड एंड आफ्टर सम टाइम इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू इंफ्रारेड. ये सी समझ में आ रहा है? इट्स लाइक दैट ओनली. इज दिस क्लियर? तो ऐसे ही होता है. इमेजिन करो. यस ओके सो ऑल क्लियर. Clean and clear. Okay. So this is electromagnetic radiation. Here we can see the effect of wavelength and frequency. See, small wavelength, very small wavelength, wavelength increases. These all are basics. Okay. Here we can see that in a gamma rays, these wavelengths are very close, and as it moves towards the radio waves, here the wavelength increases. Okay. This is a visible range. Okay, now let's see. This is important. Over here, we can see the frequency, energy, as well as wavelength of every waves of electromagnetic spectrum. Okay, now this gamma rays. See, here we have gamma rays. This gamma rays is produced by radioactive elements. X-ray is produced by X-ray machines. Okay, there is a device we use in the lab, ALS. It also produces X-rays, but soft X-ray. This is a hard X-ray. Then we have ultraviolet radiation. Bulbs are there which can fluorescence. So, wo ultraviolet mein fluorescence karte hain. Then we have visible. See, this bulb produces visible radiation. This bulb produces visible radiation. Then V-peoples produce infrared radiation. Then microwave is used in radars, active microwave that is there, synthetic aperture radar, SAR, okay, वहाँ microwave radiations होते हैं. Then we have microwave ovens, which is a different kind of microwave. It is not a peak region of microwave. हम लोग low regions के microwaves को use करते हैं in microwave ovens. See, microwave oven में हम लोग जो खाना गर्म करते हैं, basically each wave has energy, right? Each wave has energy. We use even this visible to warm the things. Agar ye bulb hai, it is glowing. Right now, see, it produces heat. No, koi bhi radiation ho, it produces heat. Okay, even you can produce heat using radio waves also. Sara cheeze produce karti hai. Then FM radio, then AM radio. Right now, it is not used. Here we can see the size of everything. See, this gamma ray is extremely fine, smaller than atom size. Okay, of atom size you can say in angstroms. Then there is a X-ray of water molecule size. Then proteins are of size of soft X-ray. Then virus are of the size of ultraviolets. Bacteria is of the size of visible, like from 400 नैनोमीटर टू 900 नैनोमीटर, 4:7, वो जानते हैं ना, 400 से 700, 400 to 700, इसके बीच में. तो वायरस उस साइज का होता है. देन वी हैव सेल्स, देन स्मॉल यू कैन से पॉइंट्स, देन बेस बॉल्स लाइक हाउस. इन केस ऑफ रेडियो वेव्स द वेवलेंथ साइज इज इक्विवेलेंट टू अ सॉकर फील्ड. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ्स. ओके, सो यहां सोच लो वेवलेंथ वाटर मॉलिक्यूल के साइज का हो जाता है. So this is very important. This is very important. Okay. Here we can see energy also. See, this gamma wave has higher energy, and as we move towards the radio waves, energy will decrease. Energy goes up to say in 1 kilohertz. 1 kilohertz. Okay. Now in remote sensing, we never use ultraviolet spectrum part. We never have a sensor for UV rays. What is the reason? Socho ki why we are not using this UV radiations. Hum log visible ke liye dekhe, IR use kar rahe hain for sea surface temperature. We use microwave for this thing, cloud study, for dry sand study. Why not UV?
स्मॉलर द वेवलेंथ ग्रेटर द रेजोल्यूशन, रिमेंबर दिस वन, स्मॉलर द वेवलेंथ ग्रेटर द रेजोल्यूशन बिकॉज एनर्जी इज मोर, इफ एनर्जी इज मोर तो रेजोल्यूशन अच्छा आएगा ना। सोचो कि अगर दिस इज अ ऑब्जेक्ट, यहां से कोई भी रेडिएशन कोलाइड करके वापस सेंसर पे जा रहा है, इफ इट हैज वेरी लेस एनर्जी देन इट इज वेरी लाइक डिफिकल्ट टू फाइंड कि यहां क्या था, ये डिफिकल्ट करना फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यस श्री, यू आर राइट, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय ओजोन। नो, अगर ओजोन, सोचो कि अगर यूवी पहले तो आते समय ही इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय यूवी रेडिएशन, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर इज कैप्चर ओवर हियर, समहाउ ओजोन में होल भी हो जाए, इन दैट केस ऑल्सो इफ अगर यूवी यहां आ रहा है, इट इंट्रैक्ट्स विद द बॉडी एंड देन अगेन इफ इट रिफ्लेक्ट्स बैक, तो जरूरी नहीं है कि सेम एंगल पर ही इसमें ही रिफ्लेक्ट हो जाए, इट विल रिफ्लेक्ट बैक एट सर्टेन एंगल, राइट? सो ओवर हियर अगेन इट इज कैप्चर्ड बाय ओजोन। अरे बाबा, गामा रेज नेवर रीचेस टू द अर्थ सर्फेस, नो, गामा एंड एक्स रेज इज बेसिकली यूज्ड बाय आयनोस्फेयर, वी हैव आयन्स बिकॉज ऑफ दिस गामा रे इंट्रैक्शन, आयन्स क्यों कन्वर्ट होते हैं, वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम आर इन द फॉर्म ऑफ आयन्स, बिकॉज द एनर्जी ऑफ गामा रेज इज वेरी हाई, सो इट कन्वर्ट्स दिस गैसेज इन टू आयन्स। We always use that energy, those radiations, जो कि easily earth के surface तक reach करे। We don't want like कि हम लोग upper atmosphere की study कर रहे हैं। Most of the remote sensing studies is for the earth surface, no? समझ रहे हैं? अब ये देखो, sun का peak radiation कहाँ होगा? According to this theory, Wind's displacement law, surface temperature of sun is 6000 degrees Celsius. So when you divide it by 2898, the peak region, if you divide this, if you get the value, no, उसका जो peak region होगा वो visible में लाई करता है। 4.8, 400 से 700 term is used for 0.48 micrometers. So this is used for what? विजिबल, राइट? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लाई करेगा इसी में ना, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यही बोलता है। अकॉर्डिंग टू विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वी नो दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय टी, टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज 6000 डिग्री सेल्सियस, सो इट प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी इन द वेवलेंथ, विजिबल वेवलेंथ मैक्सिमम, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ विजिबल प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम एनर्जी इन द विजिबल, आर यू गेटिंग ऑर नॉट, इज दिस क्लियर? यस, सो दैट्स व्हाई वी डोंट यूज यूवी रेडिएशंस। सो दिस अल्ट्रावायलेट पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दिस रेडिएशन इज जस्ट बियॉन्ड द वायलेट पोर्शन ऑफ द विजिबल, हेंस इट इज द नेम अल्ट्रावायलेट, वायलेट के जस्ट बाद है, सो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट मींस ज्यादा एनर्जी देन वायलेट कलर, ओके? नाउ विजिबल, दिस इज द ओनली स्पेक्ट्रम दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द ह्यूमन आईज, ओके? सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर्स, यू कैन से अभी देखे 0.48 प्रोड्यूस कर रहा था, that belongs to this region, 0.48 तो यही लाई करेगा ना, 0.4, 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में, is this clear? So it is visible to our eyes, except that we can't use our eyes to find IR or microwave. It can feel, but observe नहीं कर सकते, IR, thermal IR को हम लोग गर्मी को feel कर सकते हैं, our skin can feel the heat. बट एब्सॉर्ब नहीं कर सकते कि कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, वी कांट, इट्स नॉट इजी। यहां हम लोग लाइट को देखकर सोर्स पता लगा लेते हैं, राइट? बट इन अ केस ऑफ आईआर रेडिएशन, थर्मल आईआर, वी कांट एब्सॉर्ब द सोर्स क्या है उसका, वी कांट सी, नो, अनलेस एंड अंटिल वी हैव गॉगल्स, अनलेस एंड अंटिल वी हैव गॉगल्स, इज दिस क्लियर?
नाउ वी नो दैट फ्रॉम आवर स्कूल टाइम की व्हाइट लाइट हैज ऑल कलर्स राइट, व्हाइट लाइट में ऑल कलर होते हैं. इफ यू पास दिस व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म इट कैन डिवाइड इन टू सेवन कलर्स एंड इन दिस सेवन कलर्स वी हैव थ्री प्राइमरी कलर्स दैट इज आर जी बी रेड ग्रीन ब्लू. दीज आर मेन कलर्स. यू कांट प्रोड्यूस थर्ड कलर यूजिंग आर और आइदर जी और आर और आइदर बी और बी और आइदर जी. इन दोनों के मिक्स से थर्ड कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकते. आर जी बी आर द प्राइमरी कलर्स. मीन इनसे सारे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं बट ये आपस में मतलब ये दो इनमें से कोई दो रिएक्ट करके तीसरा फॉर्म नहीं कर सकता. दीज आर द प्राइमरी कलर्स. ओके बट ऑल दिस सेवन कलर्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग दिस प्रिज्म. प्रिज्म से जब भी हम लोग व्हाइट कलर को पास करते हैं इट गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर्स. ईच हैज डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट एंगल यू कैन से डिफरेंट एंगल स्कैटरिंग विल बी डिफरेंट. सो दिस रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट इज द शॉर्टेस्ट. ओके so let's see the wavelength. Here we can see that in a case of red the wavelength gap is very high. Over here it is less, it is only 46. Here see it is 80. It is 80, gap is 80, no 0.700 minus 0.620, it is 0.80. right, so the gap as we move away that means wavelength is increasing. So the range is increasing, right? Gap increase कर रहा है, range increase करेगा अगर wavelength increase कर रहा है. Is it clear? Now in this there are main three blue, green, red. These are primary colors. They are defined as such because no single primary color can be created from other, but all the other colors can be formed by combining blue, green and red. इन वेरियस प्रोपोर्शंस, वेरियस प्रोपोर्शन में मिलाने किसे और सारी चीजें बन सकती हैं. लिखते भी रहना. ओके पीपीटी दे देंगे बट इट्स नॉट इनफ. जो चीजें हम बोल रहे हैं वो एटलीस्ट उस चीजों को लिखो. अभी तक कोई प्रॉब्लम है टेल मी एनी प्रॉब्लम. नाउ इंफ्रारेड. सी द रेंज ऑफ द इंफ्रारेड इज वेरी हाई. Very high. In a case of visible, it is from 0.4 to 0.7. See over here, 0.7 to 1000 micrometers, 1000 times wide as compared to the visible portion. Now this IR is divided into two types, that is reflected types of IR or emitted types of IR. Now this emitted IR is also known as thermal IR. और रिफ्लेक्टेड टाइप ऑफ आईआर इज आल्सो नोन एज नियर इंफ्रारेड. मतलब रेड के पास नियर इंफ्रारेड. ओके सो इसके भी बहुत से डिविजन्स हैं. सी दिस आईआर रीजन नो इट इज फर्स्टली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स नियर मिड एंड फार इंफ्रारेड. ओके this near and mid together known as reflected IR. okay and this far is known as emitted IR. so a lot of classification is there. reflected may be short wave, long wave. so first classification हम इसको divide किए near, middle और far infrared. now this near infrared or middle infrared is together known as reflected type of infrared and this far infrared is known as emitted type of infrared. okay so this NIR has a range of 0.7 to 3 micrometers. now here it acts as a visible radiation. visible ki tarah hi react kar raha hai yani whenever it interacts with the body it reflected back. बट हर बॉडीज पर डिपेंड करता है, उसकी केमिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है. समटाइम्स इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, समटाइम्स इट गेट इट अब्सॉर्ब. अगर यही एनआईआर हो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो एब्सॉर्ब हो जाएगा. बट
if it reacts with the sand, in that case dry sand, in that case it reflected back like this. Is this clear? Tell me. Any problem? Okay, now microwave. The portion of the spectrum is more recent or interest to the remote sensing. सबसे recent यही है. We are using the, this is the last one. We don't use radioactive and all. क्योंकि wavelength बहुत बड़ा हो जाता है and the energy is very less, very less. So even अगर वो interact करता भी है, then it never carry the data of that body. उसका information लेकर आ ही नहीं पाएगा. Wavelength बहुत भी बड़ा है. This covers the longest wavelength used for remote sensing. सबसे longest है. The shorter wavelength have property similar to the thermal. Again, just like infrared, उसके shorter is close to the visible, तो वो behave भी करता है as a visible. और वैसे ही in a case of this microwave, the shorter wavelength behaves as a thermal, and the longer wavelength approaches the wavelength of a radio broadcast. Okay. अब इन चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज इंट्रोडक्शन क्लास. अब हम लोग माइक्रोवेव जब डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रोवेव ओवर देयर इट हैज अ लॉट ऑफ बैंड्स इन इट. जस्ट लाइक इन एनआईआर वी हैव एनआईआर फार मीडियम एंड ऑल. यहां भी पी बैंड, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, लाइक दिस वी हैव डिफरेंट बैंड्स इन अ सेम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज वी हैव अ माइक्रोवेव सेंसर इन अ सैटेलाइट. ओके, सैटेलाइट पर हम लोग का एक माइक्रोवेव सेंसर है. नाउ दिस सेंसर इज अ हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर. व्हाट इज हाइपर स्पेक्ट्रल? तो हाइपर स्पेक्ट्रल मींस कि जो उनके वेवलेंथ होंगे वो नैनोमीटर्स में होंगे. सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई भी एक सेम ले लेते हैं, जैसे माइक्रोवेव या विजिबल. अब उसी विजिबल में बहुत छोटे छोटे बैंड्स बना दिए. पी वे पी बैंड एक बना दिए, एल वे बैंड बना दिए, और पी बैंड में भी चार बना दिए. समझ रहे हो? इट डिपेंड्स कि आपको स्टडी क्या करना है. सपोज कि रेड के साथ दिस डीएसएम रिफ्लेक्ट कर देता है रेड कलर को, ठीक है. अब रेड कलर में भी किस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि रेंज बहुत रेड में बड़ा है ना. रेंज में सबको सेम तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, किसी को ऑब्जर्व कर ले रहा होगा, कुछ को 100% रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, किसी को पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. तो हम लोग लैब्स में चेक करते हैं कि किस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है मोर. दैट विल बी यूज्ड टू स्टडी टीएसएम, राइट. तो इसीलिए हम लोग हाइपर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के ऐसे सेंसर्स बनाते हैं जहां एक ही सेंसर में नंबर ऑफ बैंड्स इंक्रीज कर देते हैं. सेम सेंसर, सेम रेड कलर या सेम माइक्रोवेव, नाउ द नंबर ऑफ बैंड्स इज मोर इन नैनोमीटर्स. नैनोमीटर्स में छोटे छोटे बैंड्स लगा दिए. इज दिस क्लियर? टेल मी एवरीबॉडी. राहुल, शिल्पी, रितु, मोनिका, श्री, ओके. सो बिफोर क्लोजिंग दिस आई वॉन्ट टू राइट समथिंग. रेजोल्यूशंस. नाउ रेजोल्यूशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टिल नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशंस, बट रेजोल्यूशन होते क्या है ये समझना पड़ेगा. सो वी हैव फोर काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशंस. स्पेशियल टेम्पोरल रेजोल्यूशन, देन वी हैव रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इज देयर. सो लॉट ऑफ टाइम. अब देखो ये सारे रेजोल्यूशन डिपेंड करता है कि स्टडी क्या करना है. सपोज वी वांट टू स्टडी वेरी फाइन मटेरियल, वेरी फाइन मटेरियल इन ओशन, देन इट शुड हैव वेरी हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन, क्योंकि हमको बहुत छोटा छोटा पिक्सल चाहिए होगा, राइट, क्योंकि फाइन मटेरियल है.
हमको किसी एरिया को हर 24 आवर्स के बाद स्टडी करना है, मतलब सनराइज के समय क्या चीजें हो रही हैं, तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन को 24 आवर्स पे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे ऑर्बिट में लेके जाएंगे जहां वो ऑर्बिट पूरा कंप्लीट करके हर 24 आवर्स पे वहां फिर से वापस जा रहा है। इज दिस क्लियर? ये चीजें डिपेंड करती हैं कि स्टडी क्या करना है हमें। सो लेट्स राइट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग इज स्पेशियल रेजोल्यूशन। स्पेशियल रेजोल्यूशन, सो इट बेसिकली रेफर्स टू द साइज ऑफ द पिक्सल। ओके, इट रेफर्स रेफर्स टू द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट पिक्सल। क्या होता है स्मॉलेस्ट फीचर होता है? अगर आप मेरी इमेज को देख रहे हो, मेरी इमेज को आप सबसे ज्यादा जूम कर दो तो आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखने लगेंगे, दैट इज अ पिक्सल। ओके, नाउ द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट फीचर वही होगा ना, मेरी इस इमेज का स्मॉलेस्ट फीचर क्या होगा, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट फीचर, राइट? सो साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट फीचर दैट कैन बी डिटेक्टेड, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई सेंसर और डिस्प्ले और डिस्प्लेड इन अ सेटेलाइट इमेज। राइट इट डाउन फास्ट एवरीबडी। अब सपोज स्पेशियल रेजोल्यूशन 250 मीटर्स है, दैट मींस जो स्क्वायर होगा उसका साइड 250 मीटर्स का है। दैट पिक्सल, पिक्सल इज डिनोटेड बाय स्क्वायर, राइट? स्क्वायर हैज इक्वल साइज, दैट मींस वन साइड ऑफ द स्क्वायर हैज अ लेंथ ऑफ 250 मीटर्स, दैट इज द स्पेशियल रेजोल्यूशन। ओके, सो राइट इट डाउन। Is this clear? It is usually presented as a single value representing the length of वन साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर? मीन्स सिंपल 250 मीटर्स अगर है स्पेशल रिजोल्यूशन, दैट मीन्स 250 मीटर्स इंटू 250 मीटर्स तक के एरिया को वो क्लियरली देख सकता है, उससे छोटा नहीं। That means the pixel size is 250 into 250. Is this clear to you all? Spatial resolution. Now spectral resolution. Write it down fast. Fast, fast, fast. Now, what is spectral means? It's an ability of a yes, it is the minimum. इससे नीचे नहीं जा सकता, मतलब मिनिमम जो पिक्सल्स होंगे उस पिक्चर के वो 250 मीटर्स के होंगे। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट इज स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। सो बेसिकली दिस इज एबिलिटी ऑफ अ सैटेलाइट टू मेजर स्पेसिफिक वेवलेंथ। किसी भी स्पेसिफिक वेवलेंथ के मेजरमेंट की एबिलिटी को ही कहते हैं स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। कितना फाइन वेवलेंथ को वो मेजर कर सकता है। ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन स्पेक्ट्रल, बिकॉज फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू यूज दिस टर्म्स। तुमको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन
refers to ability of a satellite satellite sensor to measure specific wavelength of electromagnetic radiation. Measure specific wavelength of electromagnetic spectrum, EMS. The finer the spectral resolution, greater the image. उतना ही अच्छा narrower wavelength range होगा, उतना ही अच्छा image होगा. The finer the spectral resolution, narrower the wavelength. Spectral resolution, the narrower wavelength, narrower wavelength range for particular channel or band. Write it down fast. Now temporal, it's very easy, you already know. It's a time taken by your satellite to again repeat its place ko repeat kar rahe mein, yani dusra image lene mein kitna time laga, that will be your temporal resolution. Jab bhi Google Maps par aur Google Earth par dekhoge koi bhi image ko, it will tell you the time ki wo kab liya gaya tha, last time 2 hours ago, 3 hours ago. इसे रिमोट एरिया में ऐसे 2-3 घंटे बाद आता है, बट द एरियाज लाइक सिटीज एंड ऑल कंटिन्यूअस, इट विल मूव. ओके, सो नाउ दिस टेम्पोरल रेजोल्यूशन, लिखे डन. दिस टेम्पोरल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन, the capability for satellite to provide image of same geographical area more frequently ability, वो capability कितना frequently करता है, that is your temporal resolution. Write it down fast. Fast. Is it completed? समझ में आ रहा है ना? अब what is radiometric? See that digital numbers are also used as a grayscale. Grayscale के term में भी digital numbers भी use करते हैं. अगर मतलब कोई भी image कितना gray है, panchromatic image जब देखते हैं किसी भी area को, वो डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्रे होता है, एकदम एक्सट्रीम ग्रे, ब्लैक, पिच ब्लैक, लाइट ब्लैक, लाइक दिस. तो ग्रे स्केल के बीच में कंपेयर करने को ही रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कहते हैं. ओके, इट्स अ एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट ग्रे स्केल्स, और यू कैन से टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट डिजिटल नंबर्स. कितना इजिली आप
कर सकते हो, अगर किसी का रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो इट कैन कंपेयर और इट कैन डिफरेंशिएट टू ऑब्जेक्ट्स बाय देयर ग्रे स्केल वैल्यूज. पिक्सेल इज डिफरेंट थिंग. शुरू वाला जो था रेजोल्यूशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन, दैट इज योर पिक्सेल. छोटा से छोटा कितना आप क्लियर देख सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग. हियर आई एम टॉकिंग कि ग्रे स्केल के वैल्यू पर आप कंपेयर कर सकते हो. सपोज यू आर टेकिंग अ इमेज ऑफ अ सोर रीजन. ओवर देयर वी हैव अ ड्राई सैंड, ओशंस, डेल्टा, एस्चुरी, फाइन प्लांट्स लाइक दिस. नाउ डिफरेंट है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैज डिफरेंट ग्रे स्केल वैल्यूज, डिफरेंट डिजिटल नंबर वैल्यूज. सो एबिलिटी टू कंपेयर इन बिटवीन देम इज कॉल्ड रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन. इज दिस क्लियर? ठीक है. ओके, सो समझ में आ रहा है ना? राहुल, व्हाट अबाउट यू? रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, सो इट स्टैंड फॉर एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द सेंसर टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश डिफरेंट ग्रे स्केल, डिफरेंट ग्रे स्केल वैल्यू एंड इट इज मेजर्ड इन बिट्स. ओके, इट इज मेजर्ड इन बिट्स. जीआईएस में ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कैसे निकालते हैं. मेजर्ड इन बिट. अब इफ सपोज की अगर कोई इमेज है जिसका बिट वैल्यू बहुत ज्यादा है, देन इट्स ग्रे स्केल विल बी मोर, सो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन विल बी इनडायरेक्टली मोर. सो द मोर मोर, दिस इज मोर, द मोर बीट एंड इमेज हैज एंड इमेज हैज द मोर ग्रे स्केल, ग्रे स्केल वैल्यू कैन बी स्टोर्ड. And thus, difference in the reflection on the land. Difference in the reflection on land surface. Basically, ये क्यों हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है कि डिफरेंट ग्रे स्केल मतलब डिफरेंट रिफ्लेक्शन, कहीं बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है, सो इट अपीयर्स लिटिल बिट ऑफ लाइट ग्रे, कहीं रिफ्लेक्शन ज्यादा है, ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा है, यानी ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा यानी वो ज्यादा डार्क कलर का होगा. ओके रितु, ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट, या इट्स लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट बट एक्सट्रीम व्हाइट मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो गया ना, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, एक्सट्रीम व्हाइट. ऑब्जॉर्प्शन मीन्स ब्लैक कलर. तो ये यही बताता है कि द रिफ्लेक्शन ऑन द लैंड सरफेस, इसे आप स्पॉट कर सकते हो, सरफेस कैन बी स्पॉटेड, कैन बी स्पॉटेड. अब इन चीजों का सी, सेट्स कैन बी अलॉट अलॉट, इट कैन बी 256 बिट, इट कैन बी 10-24 bit, depends, it depends कि आप number of objects कितने हैं, सबके reflection rate कैसे हैं, optical properties कितनी हैं, इन चीजों का practical करना होता है. So यहाँ तो practical करा नहीं सकते, but I will tell you the theory thing. There is a app called Surfer. Okay, so class में we use this Surfer thing, Surfers and Quantum GIS we used, ArcGIS we used. Okay, so no, it can goes up to, see, it depends upon the optical property.
वी कांट प्रेडिक्ट लाइक कि इसका कोई ऐसे लिमिट होगा. एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हो जाए तो इट्स फुली ब्लैक नो. एनी प्रॉब्लम रॉबर्ट राहुल टोपो शिल्पी टोपो किक ऋतु रोतेजा श्री मोनिका देवा हाउ इज द क्लास हाउ इज द जोस. अरे हाय सर बोलना था. हाय सर यस ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्लास. ओके नेक्स्ट 10 days आई गेस 10 days और अराउंड 10 or 9 days लोग रिमोट सेंसिंग जीआईएस ये सब पढ़ेंगे. सी चीजें बहुत हैं बट आई एम गोइंग टू टीच ओनली दोज थिंग्स जो कि सिलेबस में है क्योंकि मतलब हम पढ़ा सकते हैं एक एक मंथ तक नो इशू. चार चार घंटे का क्लास एक मंथ तक चल सकता है बट और भी चीजें इंपॉर्टेंट है. हमारा फोकस अभी रिमोट सेंसिंग सिग्नेस ज्यादा CSIR क्लियर करना है. ओके तो हम लोग उतना ही चीज पढ़ेंगे जो उधर आता है उससे ज्यादा नहीं. क्लियर. एंड ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर CSIR. यस समटाइम्स 3 questions are there 4 questions are there बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर CSIR. आई एम सेइंग अभी हमारा मेन फोकस इस CSIR. ओके एंड आफ्टर टुमारो बहुत लोगों का हो चुका होगा. आई एम डैम श्योर. नाउ यू गाइज रियलाइज दैट हम सही बोल रहे थे. यस राहुल सिंह यस सर. सो एनी प्रॉब्लम यू हैव टेल मी. ओके सो दिस इज डाउट सेशन राउंड नाउ ऑलरेडी 3 hours कंप्लीटेड. टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. शिल्पी एनी प्रॉब्लम. हाउज द क्लास लाइक समझ में आया ना सब. नो ओके ओके. सी आई वांट दिस क्लास फ्रॉम लाइक सेप्टेम्बर ओनली. सेप्टेम्बर से ही हम चाहते थे कि ये क्लास हमको मिले बट मौका नहीं मिल रहा था. कुछ भी पूछो एनीथिंग पुअर नेटवर्क. ओके पुअर नेटवर्क. सो वैसे भी क्लास खत्म हो गया देवा डोंट वरी. ओके एवरीबडी एनी डाउट एनी प्रॉब्लम. अगर दिन ज्यादा होते देन आई विल टीच यू दिस प्रैक्टिकल थिंग ऑल्सो कि एनालाइज कैसे करते हैं प्रोसेस कैसे करते हैं इमेज को मतलब लाइक ये चीजें मैंने की हैं ड्यूरिंग बैचलर्स ड्यूरिंग मास्टर्स एंड फ्रॉम इसरो IIRS. देर इज अनदर कोर्स बाई दिस थिंग IIT रुड़की वहाँ भी इन्होंने असाइनमेंट्स करवाए ऐसे ऐसे. सो आई हैव लिटिल बिट ऑफ आइडिया लिटिल बिट नहीं मीडियम आइडिया कैन से थोड़ा अच्छे से जानते हैं. सो आई कैन टेल यू द होल थिंग एंड आई वॉन्ट दिस इन डेली क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज एक्चुअली. ओके देखते हैं. So then, okay, everybody, good night. Work hard. And now you have 97 days only for CSIR. So it's like a do and die situation, okay? So, abhi nahi to kabhi nahi. Okay? So, please work hard. Study more. Theek hai fir? Good night, everybody. Sweet dreams. Good night. राहुल मोनिका देवा शिल्पी रितु श्री. ओके गुड नाइट गुड नाइट. गुड नाइट गुड नाइट. सी यू टुमारो देन. ओके सी या. ओके सी या. ओके सो बाय.
इसके बाद this one is first one. अरे वो उसको पूरा इमेजिन नहीं कर पा रहा था, फिर साइलेंट सुना के निशान